वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। ठीक है जी, आज हम करेंगे शुरू कुल्लू फ्रेम से बाहर चला। आज हम शुरू करेंगे अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब जितना हमने मंडी में पढ़ा था, आधा तो कुल्लू के जो रिलेशन है वो मंडी के राजाओं के साथ निकल जाते हैं, आदो के रिलेशन निकल जाते हैं आपके चंबा के साथ, आदो के निकल जाते हैं कांगड़ा के साथ। और इसके बाद हम करेंगे लाहौल स्पीति, फिर जाएंगे किन्नौर, फिर आएंगे शिमला। तो आपका एक सर्किट चलेगा पूरा, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का सर्किट, उसी सर्किट में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो अगर अब हम पहले कुल्लू की बात करें, ठीक है, कुल्लू का क्या सीन है आपके कुल्लू के नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा लाहौल स्पीति। ठीक है, इधर आपको देखने को मिल जाएगी कांगड़ा। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट बेसिकली इधर आपको देखने को मिल जाएगा इसके शिमला। ठीक है, जो हमारा साउथ साउथ का पार्ट पड़ा, जहाँ पे आपका ये निरमंड वगैरह एरिया पड़ा। ठीक है, इधर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, किन्नौर। चलो जी, इसको थोड़ा अंडरलाइन करके रखते हैं, अभी देखेंगे कि टच करता है कि नहीं करता है। और हाँ, मंडी रह गया, मंडी कहाँ पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, मंडी पड़ गया इधर। अच्छा, अब मेरे को बताओ ये किन्नौर में कहाँ टच करता है, अगर आपने किन्नौर बोला अगर। चलो ठीक है, बेसिकली रूपी वैली, जो रूपी वैली है वो टच करती है। सो ये आपका किन्नौर का मतलब कुल्लू का पूरा पूरा हिसाब किताब है। अब अगर हम कुल्लू के बारे में देखेंगे, कुल्लू इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स टूरिज्म परस्पेक्टिव से। एंड जब हम जीडीपी के हिसाब से पढ़ते हैं ना, जब हम जीडीपी के हिसाब से पढ़ते हैं, अगर हम सेपरेटली पढ़ेंगे, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 25% ऑफ द स्टेट जीडीपी। तो एक ये भी चीज है। ठीक है, सो पूरे हिमाचल में 27% स्टेट जीडीपी को यही फुलफिल कर रहा है आज की डेट में कुल्लू। ठीक है, सो चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो जो मर्जी हो। ठीक है, तो एक चीज आपने ध्यान देनी है, इसमें से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका टूरिज्म का रहता है। उसके बाद इट इज रन डाउन बाय इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज योर रिवर ब्यास, विच इज द ओरिजिन विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर रोहतांग। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और रिवर देखने को मिल जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती। फिर आपको यहाँ पर एक और देखने को मिल जाएगी, उधर कौन मिलती है लार्जी में नदियाँ, तीर्थन और सेंज रिवर। सो अगर ओवरऑल फैक्टर्स देखेंगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम टूरिज्म टू योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स टू योर एग्रीकल्चर, सेब होते हैं, पौधे हैं, दुनिया भर का एग्रीकल्चर इधर है ना, पियर्स वगैरह, फिशेज, इंडस्ट्रीज और पतली कुलीज और इंडस्ट्रियल एरिया एक तरह से, फिश फार्म्स वगैरह। ठीक है, सो वहां पे अगर आप देखोगे ओवरऑल से कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाता है जीडीपी के लिए, वो बहुत ज्यादा चले जाता है। जैसे आपका पतली कुल में पड़ गया, कैच वालों की फैक्ट्री है, दो बहुत बहुत सारी फैक्ट्रीज है पतली कुल में। अभी पतली कुल को शायद इंडस्ट्रियल एरिया के टाइप से देखने को वो कर रहे हैं। दूसरा गेटवे टू लाहौल है। ठीक है ना, सो इवन व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू गो टू लद्दाख और समवन इज ट्राइंग टू गो टू लाहौल स्पीति, उसको रुकना मैंडेटरी हो जाता है उसको रुकना, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। सो ओवरऑल देखा जाएगा कुल्लू को मैं बोलता हूँ स्वीट हॉटस्पॉट हिमाचल प्रदेश का, हाईएस्ट हाईएस्ट ग्राउंड बनाए। ठीक है, सिसु ग्राउंड है ना, लाहौल स्पीति क्रिकेट बोर्ड अकेडमी, अभी अभी 2013 से काम शुरू हो गया था उसका। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर आप देखोगे, सो अगर हम लाहौल स्पीति में ग्राउंड की भी बात कर लेते हैं, सो वेयर वुड पीपल स्टे, रुकना तो उनको कुल्लू नाली में पड़ेगा ना, जब तक वहां पे होटल्स बड़े बड़े डेवलप होंगे इस तरह से। सो कुल्लू आज की डेट में हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन योर शिमला। एंड ये एक फेज चलता है, पहले आपका शिमला फुल, पहले शिमला बना आपका, फिर आपका धर्मशाला बना, धर्मशाला और शिमला में अब ग्रोथ की कैपेसिटी खत्म है, और आपकी कुल्लू में देखो ग्रोथ की कैपेसिटी कभी भी खत्म नहीं हुई थी कुल्लू में। जब से कश्मीर में टूरिज्म बंद हुआ है ना, मतलब कुल्लू लाहौल स्पीति के तो मतलब बल्ले बल्ले हुई हुई है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं आपको वो इकोनॉमी या टूरिज्म बेस्ड है ना जनरली। और दूसरा, इट इज अ वेरी ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमने देखा था जो कुलूटा था, इट इज रिकॉर्डेड एज अ सेकेंड ओल्डेस्ट महाजनपद जनपद ऑफ हिमाचल। तो हिस्टोरिकल इसका बहुत बड़ा रेफरेंस है। आप यहाँ पे देखोगे अशोका, यहाँ पे अशोका ने अपने यहाँ पे मिशन भेजा था, तो टिबेटियन कल्चर यहाँ पे है ना। उसके बाद आप देखोगे इट इज अ गेटवे टू द
आई जनरली पीपल से नो नो वर्ड बोलते हैं उसको, उस टाइम नो वर्ड बोलते थे ना, क्योंकि लद्दाख ऊपर है जी खत्म हो जाती है, इट इज नो वे, उसके बाद आपकी दुनिया खत्म होनी शुरू होती है, क्योंकि हार्ड कंडीशन हो जाते हैं ना ये। तो अब जाके हमको पता है कि सोचो यार, अभी भी हमको टनलें बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। अब आप देखोगे द गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच, चाहे सेंटर चाहे स्टेट, अभी अटल टनल बन गई तो उसका अपना ही इंपॉर्टेंस है ना। तो अगर आप देखोगे अब अटल टनल में टर्की की कंपनी ने इन्वेस्ट काम किया, नीदरलैंड की कंपनी थी, है ना। सो ओवरऑल देखा जाएगा कुल्लू में इस टाइम जितनी लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है ना, और उसके बाद मंडी। सो आज के डेट में हमारे पास दो डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें स्कोप और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, रेस्ट और शिमला धर्मशाला फिनिश्ड। क्या करेंगे यार, इससे ज्यादा रोड क्या चौड़ा कर लेगा बंदा, ठीक है ना। तो ये है, तो अब इसको शुरू करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो इसका जो ओरिजिनल इसकी जो फाउंडेशन है, द ओरिजिनल फाउंडेशन, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, थोड़ा माइंड में फॉर्मेट में कराऊंगा, लिख सकते तो लिख दो, बाकी पीपीटी तो मैं दे दूंगा आप लोगों को ना नोट्स में। सो इसकी जो ओरिजिनल फाउंडेशन है, ठीक है, इट इज सेड दैट कि द ओरिजिनल कुल्लू, इसको समझना, द ओरिजिनल कुल्लू हैड योर सेवन वजीरीज, ठीक है, और वी कैन से परगनाज, ठीक है, परगनाज वजीरीज, एंड दीज सेवन वजीरीज, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपका परोल हो गया, एक आपका लाग हो गया, एक आपका सायरी होगी, पता नहीं याद भी नहीं रहती है, ठीक है, एक आपकी सराज हो गया, एक आपकी लाहौल होगी जो हमारा लाहौल है, ठीक है, एक आपकी रूपी होगी, ठीक है। तो एक आपकी रूपी होगी, ठीक है, एक आपका लाहौल हो गया, एक आपका सराज हो गया, और एक जो बस्ती है वो बस्ती आपकी महाराज, ठीक है, महाराज लग महाराज ऐसे करके, ठीक है। सो जो परोल है दैट इज योर ओरिजिनल कुल्लू, ठीक है, लाहौल बिकम्स योर ओरिजिनल लाहौल ऑफ एट दैट टाइम, ठीक है। अब जब हम अभी ज्योग्राफी करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कौन कौन सी वजीरी है, वी विल बाइफरकेट देम, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड वाज, इट इज सेड दैट एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था बृहंग मणिपाल, क्या नाम था, बृहंग मणिपाल, ठीक है। सो अब जो पाल है इट विल बिकम द, इसकी बेसिकली डायनेस्टी टाइप, ठीक है, इट विल बिकम द डायनेस्टी टाइप। सो पाल डायनेस्टी, ठीक है, पाल डायनेस्टी समवेयर इन एंड अराउंड योर सेकेंड सेंचुरी, समवेयर इन एंड अराउंड सेकेंड सेंचुरी, इट इज सेड दैट ही एस्टैब्लिश्ड योर कुल्लू। और कुल्लू कैसे एस्टैब्लिश करेगा, बेसिकली ही विल कॉन्कर द स्मॉल स्मॉल परगनास ऑफ दीज टेरिटरीज, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेगा ये, इसको कॉन्कर करेगा आस्ते आस्ते, एंड इवेंचुअली ये क्या बनेगी, एक प्रॉपर आपका आपको एक कुल्लू फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल में जब जनपद थे, आपको मैंने पहले बताया था कि किस तरह से शुरू होगा काम, आपको देखने को मिलेगा पहले कोल्स, आर्यंस, मंगोलॉइड्स, वैदिक आर्यंस। तो आपको मैंने पहले बताया कि उन्होंने रहना शुरू किया, इवेंचुअली दे स्टार्टेड देयर जनपद, फिर जनपद बनता है कुलूटा, कुलूटा में इन्वेजन होगी बहुत सारी, मोहम्मद इन्वेजन बहुत कुछ होता है वहां पे। इवेंचुअली दे विल ब्रेक एंड दे विल ब्रेक इनटू प्रॉपर सेवन वजीरीज, मतलब सात राने या सात ठाकुर। फिर बृहंग मणिपाल पहुंचेगा नगर किसी राना के पास, और वहां पे वो एरिया कवर करना शुरू कर देता है, एंड इवेंचुअली यू विल सी आफ्टर योर मतलब सर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अराउंड योर 1600 के आसपास, यू विल सी जगत सिंह के टाइम कुल्लू अपनी ग्लोरी पे होता है, अपनी जेनिथ पे होता है, ठीक है। जगत सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, मतलब सुल्तान कुल्लू, मान, यार क्या बोल रहा हूँ, जगत मान, इनके टाइम पे कुल्लू बहुत प्रॉस्पर कर देता है, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी है। अब देखो बेसिकली हाउ डिड दिस थिंग हैपेंड, इट इज सेड दैट जो आपका बृहंग मणिपाल था, ही हैज हिज ओरिजिन, इसका ओरिजिन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इसका ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएगा उस टाइम का यूपी आज का उत्तराखंड, ठीक है, उस टाइम का यूपी आज का उत्तराखंड, एंड इट इज योर हरिद्वार, ठीक है, ही फाइंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम द हरिद्वार। सो इट इज सेड दैट ये कभी वहां का मतलब कोई नकली राजा हुआ करेगा भाई, जो उसको वहां से निकाला गया या इसको छोड़ के आना पड़ा, एंड ही विल लैंड इन टू योर वेयर जगत सुख नष्ट, ठीक है ना। तो वहां पे वो कैपिटल एस्टेब्लिश कर देगा, और फिर हैप्पी बर्थडे, फिर चांदी भाई, चांदी चांदी, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके है। अब अगर आप आज की बात में आपको जनरली एक वो बोलूं कि
अब कुल्लू एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए था क्योंकि इट हैड इट बाउंड्रीज कवर्ड विद योर किन्नौर, इट हैड इट बाउंड्रीज कवर्ड विद योर लाहौल, विद योर मंडी एंड विद योर कांगड़ा ऑल्सो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बंगाल वाला एरिया उधर का राजा, लाहौल के जो आपके ये सेन डायनेस्टी थी, इवन योर जो तिब्बतियन वगैरह होते थे वो आपके थोड़े बुशहर के राजा, आपके मंडी के राजा, सो उनका इंटरेस्ट होगा कुल्लू में और कुल्लू का भी इंटरेस्ट बनेगा उसमें। सो आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्पिरसी चलेगी एरिया अक्वायर करने की, कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्पिरसी चलेगी एरिया को छुड़ाने की, कॉन्टिन्यूअस वॉर में रहेंगे ये, ठीक है। सो इस तरह से कुल्लू बड़ा मतलब लाइमलाइट में रहता है। दूसरा, हिस्टोरिकली और रिलीजियसली देखा जाए, इट इज रिलेटेड टू योर लॉर्ड शिवा, चाहे उसमें आपका क्या है वो मनी माजरा, मनी नहीं, उसको छोड़ो, अरे जहां से वो का मनीकरण हो, है ना, रिलेटेड टू लॉर्ड लॉर्ड पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। फिर आपका खीर गंगा हो, रिलेटेड टू योर लॉर्ड कार्तिकेय, योर गुरु गोविंद सिंह, है ना, उनका गुरुद्वारा, योर रघुनाथ जी, योर हडिम्बा माता, योर अर्जुन, अर्जुन गुफा। सो ओवरऑल देखा जाएगा फ्रॉम द रिलीजियस परस्पेक्टिव टू द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव टू द प्रेजेंट डे मॉडर्न एरा का, चाहे टूरिज्म है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुल्लू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देखना जैसे ये अटल टनल बन गई है ना, सो अब तो अलग ही लेवल हो जाएगा कुल्लू का, ठीक है ना, साथ में लाहौल का भी। सो ऐसे ऐसे करके है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख देते हैं हम कि एक लाइन में कि कुल्लू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनर्स, ठीक है। सो एक है आपका जगत सिंह ऑफ 1637 टू 72, ठीक है, इधर से शुरू करेंगे। जगत सिंह हिज रेन स्टार्टेड फ्रॉम 1637 टू समवेयर अराउंड 62, ठीक है, या 72। इसका इसका इंडियन कोई मैटर नहीं करता है, इट इज वेरी रेयर, पर इतना है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट राजा संसारचंद है उनका आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं आपका गोल्डन एरा, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका गोल्डन एरा, कुल्लू वॉज इन इज जेनेथ, ठीक है। तो ये वो राजा था जिसने आपका प्रेजेंट डे जो आपका लाहौल स्पीति है वो क्या किया था, कैप्चर किया था, ठीक है, ही वॉज द वन हु कैप्चर्ड लाहौल स्पीति। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका, हम वो कहते हैं ना सिंधियन वाला सरदार, सिख कमांडर, सिंधन वाला, ठीक है, कौन थे वो, जनरल वेंचुरा एंड कंपनी, उन्हीं के अंडर हुआ करते थे, अजीत अजीत सिंह सिंधन वाला। ही केम एंड ही योर इन 1840 इट इज सेड दैट की ही योर सिक्स SINDHANWALL सिंधन वाला सरदार, स्पेसिफिकली कौन आपका दो में डिवाइड कर देते हैं, योर जनरल वेंचुरा, ठीक है, एंड अलोंग विद योर अजीत सिंह सिंधन वाला, दे कैप्चर्ड योर कुल्लू। सो ये कुल्लू इनके टाइम में भी जाएगा। हमने मंडी में स्टोरी कर ली थी, क्यों जाता है, क्योंकि नाउ निहाल को क्या चाहिए थी, आर्मी, बिकॉज द टिबिटियंस की रूमर आ गया था कि टिबिटियंस अटैक कर देंगे थ्रू कुल्लू, रास्ता तो वही था, दे हैड टू क्रॉस द रोहतांग पास एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा APF हारकूट, ठीक है, एक बंदा और है APF हारकूट, HARCOUT, जो भी इनकी स्पेलिंग है। इन्होंने एक बुक लिख दी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है आपका, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। इधर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पहले कराता था ना, इधर से निकल जाते थे क्वेश्चन कि बुक किसने लिखी है, किसने कैप्चर किया, इधर से निकल जाते थे कुल्लू के एक दो क्वेश्चन, तो अभी जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रुंगसान, 630 से लेकर 644 तक ही एक्सप्लोर्ड कुल्लू, एंड कुल्लू को उन्होंने कुल्ली मतलब कुलीटा बोला, KILLTA, ठीक है। उसके बाद एक और बंदा कौन हो सकता है यहाँ पे, हुंगसान, ठीक है, उसको आप देखेंगे ये आपका 630 से 644 तक देखने को मिलेंगे। और ये कुल्लू को क्या मेंशन करते हैं, कुल्लू को मेंशन करते हैं आपका कुलीटा, बोलते हैं कि भाई लगभग अराउंड 177 147 या 177 किलोमीटर्स अवे है, ठीक है ना, फ्रॉम योर जलंधर, ठीक है। तो ये इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है यार, डिस्टेंस वगैरह वो गए वो टाइम जब पूछे जाते थे, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि तिब्बतियन क्रॉनिकल्स है ना, वो भी कुल्लू को मेंशन करती है, तो हम वो भी लिख देते हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको एक तरह से सोर्सेस बता रहा हूँ कि कुल्लू के इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आज की डेट में, हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं।
कि प्रेजेंट डे या कि कौन सा तिब्बतन क्रॉनिकल उल्लू को मेंशन करता है। सो एक आपका कश्मीर क्रॉनिकल है, एक आपका तिब्बतियन क्रॉनिकल है, ठीक है। इट इज सेड दैट कि दे बोथ मेंशन आपका कुल्लू। अब ये कुल्लू को कैसे मेंशन करते हैं? सो जो आपका तिब्बतियन है, मेरे को 11GYALRABS, सो इट इज अ तिब्बतियन क्रॉनिकल। इट इज अ तिब्बतियन क्रॉनिकल जो आपका कुल्लू को मेंशन करता है, जो आपका कुल्लू को मेंशन करता है, जो क्या है आपका 11 लवस, मेरे को जो भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डैट इज योर कश्मीर की क्रॉनिकल, ये आपका जोना, JONARAJA, जोना राजा, ये आपका कश्मीर का क्रॉनिकल है जो आपके कुल्लू को मेंशन करता है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई तिब्बतन, या तो ये पूछ लेंगे कि 11 लफ्ज क्या है, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज मेंशन इन तिब्बत, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल फाइंड इट मेंशन इन जोना राजा, या कुल्लू को इसमें से किसमें से मेंशन किया है। फिर आप ऑप्शन दे देंगे कि कुल्लू को इसमें से कौन से कश्मीर क्रॉनिकल में मेंशन किया है, 11 लफ्ज, जोना राजा, XYZ, एक क्या बताइए ये डाल दिया, कुल्लू, लाहौल, कुछ ऑप्शन में कुछ हो सकता है। सो ऐसे ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली वो मंडी का नाम तिब्बत नाम पूछ लिया, सो इस तरह के क्वेश्चन उड़ जाते हैं, क्योंकि एक तो फैक्ट है, डायरेक्ट है, और आंसे पहले ना पूछे हैं, और थोड़े मुश्किल भी है, और इतनी मतलब मेरे को लगता है कि शायद ब्लोखरा में है होंगे, बाकी पता नहीं इतना ज्यादा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद यहाँ पर मैं देखा था कि जो कॉइन्स थे यहाँ पे, वहां पे मेंशन हुआ होता था बिरसिया, BIRASA, ठीक है। जो यहाँ के कॉइन्स है उनपे एक वर्ड मेंशन किया होता है, वीरस्या, BIRASYA, वीरस्या। अभी जो विरसिया है, इट इज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इट इज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको समझना अच्छे से, हम क्या पढ़ते हैं, जब हमने जनपद पढ़े थे ना, कुलुटा, त्रिगार्ता, जलंधरा, तो हमने पढ़ा था कि इनका जो कॉइन है वो बोथ लैंग्वेजेस में है, ब्राह्मी एंड क्रोष्टी, या ब्राह्मी एंड संस्कृत, है ना, दो लैंग्वेज में, कॉपर एंड सिल्वर करके। लेकिन जो ये वर्ड है ना, ये आपका ब्राह्मी लैंग्वेज में ही है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत चले है, डायरेक्ट क्वेश्चन चले हुए कि जैसे अभी भी उसका पूछा था कांगड़ा के स्लैब से, कनिहारा, कनिहारा वाले कौन सी, वो भी ब्राह्मी थी शायद, ठीक है। जो पहला है वो है, ये विरस्या वर्ड आपका ब्राह्मी में ही है, ये है, ये फैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ड लिखा होता था, जिसका वर्ड, जिसका मतलब होता था राना, राना वर्ड लिखते थे ये संस्कृत में, राना वर्ड लिखते थे ये संस्कृत में। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इनके कॉइन्स थे ये बोथ लैंग्वेज में होते थे, चाहे आप इसको ले लो ब्राह्मी लैंग्वेज, कोस्टल लैंग्वेज, बट अगर आपको पेपर में आ जाए ना कि कुल्लू का लैंड कॉइन किस लैंग्वेज में होगा, आपने ब्राह्मी ही करना है, क्योंकि जो मेन टाइटल है ना उनका, विरस्य टाइटल, दैट इज द किंग का सैल्यूटेशन, या किंग से पहले यूज करते थे, या किंग का नाम होता था। इसके भी दो तीन अकाउंट दिए हुए उन्होंने, विरस्य, तो उन्होंने ब्राह्मी में यूज किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ कि जो हमने वजीरीज पढ़ी वो प्रेजेंट किस किस एरिया में पड़ती है, बट वो आपको मैं मैप के थ्रू कराऊंगा, ठीक है, मैप के थ्रू कराऊंगा कि कौन सी वजीरी भाई किधर पड़ी, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि योर मंडी का भाई बृहंग, सॉरी, विक्रम सेन कैप्चर्ड वजीरी लाग, तो आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू के किस एरिया में गया है। जब वो आपको ये आइडिया होगा ना कि ये एरिया उठाया, फिर ये एरिया उठाया, तो उसके बॉर्डरिंग स्टेट पता लगती है ना जब, तो एक दिमाग में स्टोरी बनती है कि शायद इसके बाद ये इधर अटैक करेगा, है ना। जनरली चाहे करंट अफेयर्स की बात करो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टडी करंट अफेयर इज, व्हेन यू, व्हेन मतलब व्हेन यू रीड योर करंट अफेयर्स योरसेल्फ एंड यू एनालाइज देम, यू विल गेट द पर्सपेक्टिव कि यार आगे जाके ऐसा हो सकता है। बट अगर आप कोई वीडियो उठा के पर देख लोगे, या किसी का मेरा देख लिया, अनअकैडमी का देख लिया, या बाजीराम का देख लिया, उधर आपका सोचने की लिमिट बंद हो जाएगी, फिर आपको ना अगले आने वाले करंट अफेयर्स का नहीं उतना अंदाजा रहता, इसलिए बोलते हैं एनालिसिस खुद करो। वैसा यहाँ पर है, अगर आप ज्योग्राफी को मैप के साथ नहीं पढ़ोगे, चाहे कोई भी ज्योग्राफी है, चाहे हिमाचल की है, चाहे आप यूपीएससी की ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, तो बिना ज्योग्राफी के आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक लोकेशन, एक प्लेस को आप पढ़ सकते हैं, इवन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। 1857 तक हमारा पूरा मैप के साथ चला है हिस्ट्री, ठीक
मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मैप के साथ, तो हमको पता है कि यार ये नजदीक था, अगर वो यहाँ है घुसे हुए तो उसका यही अटैक करेगा ना, उसके बाद यहाँ से ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा अटैक करने, है ना। अगर हम बोलते हैं कि भाई एक समय ऐसा आ गया था 1890s का कि इधर फंस गए थे वो, सो स्टोरी इधर की चलेगी ना। तो एक चीज ये पता होना चाहिए, अगर मैं कुल्लू को बोल दूँ आपको, ठीक है, अगर आपको मैं कुल्लू बोल दूँ, दिस इज योर कुल्लू, दिस इज योर परोल, इधर आपका बन गया लाग, इधर आपका बन गया शायरी, अगर मैं बोलता हूँ कि लाग परोल शायरी कैप्चर किया, तो इसका मतलब है कि द प्रॉपर एंटायर कुल्लू इज बीन कैप्चर्ड अभी, लेकिन आपका सराज यहाँ है ना, आपका महाराजा इधर बच गया, है ना, आपका लाहौल इधर बच गया, तो ऐसे ऐसे करके तो बच गए कुछ एरियाज। सो आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर ये एरिया बचा है सो प्रोबेबली दिस कैन बी द नेक्स्ट टारगेट, फिर आप खुद को लग जाएगा आइडिया कि जो नेक्स्ट राजा हो सकता है कुछ स्टोरी में वो शायद इनको छोड़ के कहीं और से उठेगा। जब उसको पिकअप करोगे, पॉइंट कनेक्ट करोगे, आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी एक टाइम पे। तो बेसिकली ये था पूरा का पूरा फंडा। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि हाउ डिड द डायनेस्टी स्टार्टेड। बेसिकली जो आपका कुल्लू है उसको हम दो डायनेस्टी में पढ़ सकते हैं, वन इज द पाल डायनेस्टी बृहंगमनी पाल की, एंड आफ्टर योर पूरे 100 राजाओं के बाद यू विल सी योर सिंह डायनेस्टी, ठीक है। तो उन दो डायनेस्टीज को हम पढ़ेंगे। ऐसा बोलते हैं कि बीच में 100 ईयर्स का गैप पड़ा था उनके बीच, वो क्यों पड़ा था, कैसे पड़ा था, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आपका हिस्ट्री, विच इज योर पाल डायनेस्टी, विच इज योर पाल डायनेस्टी, ठीक है जी। अब आपके दो तरीके पढ़ने के, ऐसे करके लिखना, ऐसे करके लिखो, ऊपर एक राजा नीचे एक राजा ऐसे करके लिखो, नहीं तो पेज को ऐसे करके घुमाओ, ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही पढ़ना है, कितने राजा कनेक्टेड है वो ऐसे करके करो, ठीक है। एक राजा ऐसे को, फिर दूसरा राजा ऐसे को, तीसरा राजा ऐसे को, और उनका कनेक्शन एक साथ, और फिर छोड़ देना है, ठीक है। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कर दो अपने पेजेस को, लाइनें भी मत मारो अपना, देखो कि मेरे मैंने इतने में लिखना है एक राजा, फिर इतनी जगह में दो राजा लिखना है मैंने। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, बृहंग मनी पाल, ठीक है। अब बलोखरा में दो चीजें बताई है कि इधर इनका जो ओरिजिन था ही वॉज फ्रॉम योर प्रयाग, समझ आया, द ओरिजिनल सीट, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, द ओरिजिनल सीट इज इट योर प्रयाग, बट फ्रॉम प्रयाग ऐसी बनाओ, ही वेंट टू हरिद्वार, कहां जाता है बंदा, हरिद्वार, समझ आ रहा है मैंने हरिद्वार क्यों लिखाया था, पहले था तो ये प्रयाग का, ओरिजिनल सीट कहाँ है कुल्लू की, ओरिजिनल सीट कहाँ है, प्रयाग में, है ना, प्रयागराज, ठीक है, योर मायापुरी, उसके बाद हील गो टू हरिद्वार, बीच में मायापुरी भी जाते हैं वो, इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज हाउ योर बृहंग मणिपाल एंटर्ड योर कुल्लू, उसके बाद हरिद्वार से कहाँ जाएगा वो, हरिद्वार से जाएगा वो आपका कुल्लू एट योर जगत सुख, कहाँ पहुंचेंगे, फ्रॉम प्रयागराज ही वेंट टू हरिद्वार, एंड फ्रॉम हरिद्वार ही वेंट टू कुल्लू, दैट इज योर जगत सुख। जगत सुख को उस टाइम बोलते थे नस्त, NAST, क्या बोलते थे, नस्त, कि भाई साहब नस्त। अब ऐसा बोलते हैं जब ये आया था अपने साथ, जब ये आया था अपने साथ, इट इज सेड दैट कि ही वॉज अकम्पनीड बाय, ठीक है, ही वॉज अकम्पनीड बाय, इसके साथ कौन कौन आए थे, एक इसका बेटा पंचपाल, ठीक है, ही वॉज अकम्पनीड बाय, कौन कौन आया था इसके साथ, आपका पंचपाल, ये इसका क्या था, सन, ठीक है, दूसरा एक था इसकी वाइफ, ठीक है, इसकी वाइफ, नो मेंशन अबाउट द नेम, एंड तीसरा था पुरोहित, तीसरा था पुरोहित जिसका नाम है आपका उदयराम। सो यू विल सी बृहंगमनी पाल के साथ तीन लोग आए थे, पंचपाल इंपॉर्टेंट, वाइफ नॉट इंपॉर्टेंट, पुरोहित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया, ये नाम नहीं भी याद हो गया ना चल देगा, ये नाम नहीं भूलना है, ये नाम नहीं भूलना है, क्योंकि इवेंचुअली जब आपको ऑप्शन आएंगे ना कभी, अगर मान लो आया अब तो आएगा नहीं क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोल दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द सन ऑफ बृहंगमनीपाल हु अकंपनीड हिम, हस्तपाल, हस्तपाल वन, चलो अमनपाल, ऐसे करके, जब आप एक नाम उसमें होगा पंचपाल जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो बंदा ना खुद पावर सेंस से कर सकता है कि भाई ये होगा राजा, क्योंकि हमने बाकी को पढ़ा होगा ढंग से, है ना, तो हिस्ट्री सब चीजें रटनी होती है, कुछ चीजें आप ऐसे अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। उदयराम इज इंपॉर्टेंट, पुरोहित का नाम इज डिफरेंट, पाल नहीं है, सिंह नहीं है, एंड
राम इज समथिंग की जो कुल्लू आपको देखने को नहीं मिलेगा सरनेम के साथ। सो अगर ऑप्शन आ गया पेपर में, मान लो आपको मैंने नाम दे दिया कि भाई हु वाज द पुरोहित हु अकंपनीड योर बृहंगमणिपाल, ऐसे बोल दिया मैंने आपको, उसमें आपको मैं डाल दू नाम पंचपाल है, उसके बाद डाल दू आपको मैं कोई एक्स वाई जेड सिंह या एक्स वाई जेड पाल और डाल दू उदयराम। सो इधर दो होगा, या तो आप उदयराम को देखेंगे नहीं कि यार ये तो बंदा हो ही नहीं सकता वहां पे क्योंकि इसका तो सरनेम ही नहीं है उनके जैसा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा से एनालाइज करके जाओगे, बोलोगे नहीं यार बाकी सारे तो सिंह और पाल है, वो तो सारे राजा हो सकते हैं, वो कैसे हो सकता है पुरोहित, सो आप फिर उदयराम को करोगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो इलिमिनेशन मेथड से, और इवेंचुअली जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना चीजों को रटने को नहीं, आपको इवेंचुअली आप पिकअप कर लोगे। हालांकि मेरे को नहीं लगता कैसे क्वेश्चन अब आते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसी ऐसी करी कहानी शुरू थी। अब इसको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, इसी के नीचे लिखना कि जब वो पहली बार आया था, ही वेंट टू मणिकरण, कहां जाता है वो मणिकरण। अब इसकी स्टोरी क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है कि अगर लिखना है तो लिख दो ही फर्स्ट वेंट टू मणिकरण, बस इतना लिख दो ही फर्स्ट वेंट टू मणिकरण बट वॉज डिफीटेड, ठीक है। ही वेंट टू मणिकरण बट वॉज डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट, डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट, तो समवेयर इन एंड अराउंड योर महाराजा लाग, जो महाराजा लाग वजीरी है, महाराजा लाग वजीरी है, तो वहां गया था ये अर्धार गया था। अब उसके बाद क्या है इसकी स्टोरी, ऐसा बोलते हैं कि ये जब जाता है तो वहां पर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है, जो वहां का राणा होगा कोई उसके अंडर नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देता है। और वो जो राणा था, इट इज सेड कि ही वाज सराउंडेड बाय हिज एनिमीज, कोई ना कोई सब टांग ऊपर से जाते थे, साथ में कोई राक्षस भी था, ऐसी ऐसी स्टोरियां भी है भाई दुनिया में। सो इट इज सेड दैट कि ही यूज्ड टू फाइट फॉर द किंग, फॉर द लोकल राणा। इवेंचुअली उसने सबको सबड्यू करना शुरू कर दिया, जो लोकल राणा होता है उसको बाद में पता लगता है कि भाई तू खतरनाक ही बंदा है कोई, मतलब तू नहीं है आम बंदा, तू इतना खतरनाक है, तू ऐसा कर तू यू उसको राज दे देता है वो, ठीक है। सो इवेंचुअली ही विल स्टार्ट हिज लीनेज, आस्ते 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 ही विल स्टार्ट हिज लीनेज। मीनवाइल देयर आर टू स्टोरीज, ऐसा भी बोलते हैं कि ही लॉस्ट हिज सन पंचपाल इन द बैटल, उसके पंचपाल की मृत्यु हो गई थी, कोई बोलता है कि दे डिफीटेड और पंचपाल की एक वो शादी करवा देता है एक जगह से उस राणा की उसे, और वो एरिया एक्वायर कर लेता है। तो दो स्टोरीज है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जगासुख गया था, पहले वो मणिकरण गया, मणिकरण के बाद जगासुख आया। जगासुख में दो कहानियां हैं, चाहे आप ये कहानी याद रखो कि उसकी उसने अपने बेटे की शादी उस राणा की बेटी से करा के एरिया एक्वायर किया, चाहे वो मरा चाहे वो उसने जीत के एक्वायर किया, वो देखो आप, क्योंकि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ हिस्ट्री को याद करने का तरीका है अपनी स्टोरियां बनाओ, फैक्ट्स मत चेंज करो, बस कुछ भी बना दो कि वो जगासुख गया, उसका क्या बोलते हैं उसने राजा को वहां के राणा को धक्का मार दिया, खुद राजा बन गया, बस तैयार है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो गया कहाँ था, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने गलत स्टोरी क्यों बता दी हमारे को, अंटिल अनलेस, मैंने आपको कल भी बताया था जो मेन क्रक्स है वो नहीं छेड़ना, स्टोरी खुद बना दो, पागल घोषित कर दो किसी को, बावरा घोषित कर दो, प्यार में पागल कुछ भी करो, बस जो मेन क्रक्स है मणिकरण गया, मणिकरण से जगह सुखाया नष्ट और वहां पर किसी राणा के अंदर बैठना बैठ गया, बस ये चेंज करना, उसके बाद जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसके बाद जो अगला राजा है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर राजेंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद जो अगला राजा आता है वो आता है आपका राजेंद्र पाल, ठीक है जी, कौन राजेंद्र पाल, आर ए जे ई एन डी आर ए पी ए एल, राजेंद्र पाल, ठीक है। ये इसकी चलेगी अब, तो आप क्या पता कंसीव क्या होगा बेटा, कंसीव क्या होगा, या इसके क्या पता दो बेटा होंगे, ठीक है, अडॉप्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ से बृहंगमणिपाल की लीने चलेगी, अब यहाँ पे मनाली का जगतसुख का जो अपना लोकल ड्रामा था वो खत्म है, उसको मारा चाहे उसने दान किया, चाहे वो पानी ब्यास में छलांग मार दी, चाहे वो रानी के साथ किसी उसकी बेटी के साथ खुश हो गया, कोई चक्कर नहीं, चाहे वो उसकी बीबी के साथ ही भाग गया, ठीक है। इवेंचुअली आपको ये बताना चाहिए कि Who started the empire? है ना, क्योंकि अगर आप इतना, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप इतना याद करना शुरू कर दोगे ना कि ये इसने कैसे रिवेज की, 12 डिस्ट्रिक्ट 1277 आना है टोटल, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, 1277 आना जो हम घूमा फिरा के पहुंच जाते हैं उनमें, सो मेन वो नहीं छोड़ना। अब जैसे इसकी स्टोरी बड़ी खज्जल करने वाली है, ये एक रानी से शादी करेगा, सुचेता कुर्क ऐसे ऐसे करेगा, उतनी क्या क्या करता है ये। अब जो राजेंद्र पाल था इसका सीन क्या है, ऐसा बोलते हैं कि
ही मैरिड रूप सुंदरी, ही मैरिड रूप सुंदरी। अब जब ये रूप सुंदरी को मैरिड करता है, बेसिकली द आइडिया बिहाइंड वॉज दिस कि वो क्या कर दे, वो एरिया को एक्वायर करने के लिए वो मैरिज करता है, टू फॉर्म अ मैट्रिमोनियल अलायंस। समझ आ रहा है आपको? सो ही मैरिड रूप सुंदरी। अब फंडा क्या था, ये रूप सुंदरी किसकी बेटी थी? ऐसा कहा जाता है कि देर वॉज अ किंगडम, एक मिनट रुको, ठीक है। अब ये किसकी थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ, ऐसा बोलते हैं कि ये जो डॉटर थी ये थी आपकी सूरज चंद की। किसकी डॉटर थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ सूरज चंद, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ आपका सूरज चंद। ये था आपका द प्लेस जहां से ये था, उस जगह का नाम था आपका कोठी बरसाए, या कोठी बरसाए, KOTHIBARSIA, कोठी बरसाए, ठीक है, BARSIA, कोठी बरसाए। अब व्हाट इज दिस कोठी बरसाए का पूरा पूरा एरिया? ऐसा बोलते हैं कि जो एरिया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जगत सुख, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जगत सुख एंड योर नगर। सो नगर और जगत सुख दोनों को मिला के बनता था एक एरिया जिसका नाम था कोठी बरसाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली ही विल मैरी एंड ही विल गेट द अपर हैंड, है ना। ऑब्वियसली दामाद है भाई, ऐसे तो उसका कोई आगे होगा नहीं, आगे बेटा बुटा जो भी आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, दिस राजेंद्र पाल विल ऑक्यूपाई अ प्लेस, जिस जगह का नाम है आपका गजन टेरिटरी, ठीक है। सो उसके बाद क्या करता है ये राजेंद्र पाल, उसके बाद ही विल ऑक्यूपाई, ठीक है, राजेंद्र पाल उसके बाद ही विल ऑक्यूपाई योर गजन टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद ये गजन टेरिटरी को अक्वायर कर देता है। सो यू विल सी, अगर आपको मैं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बस, है ना, एक मिनट। क्या ये HP कुल्लू है ना ये? कैसे? फिर हार जाता है, फिर शादी करता है, शादी का वही था, ठीक है। सो ये कुल्लू का मैप है ना, आपको तो कमी छोटा दिख रहा होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि सो दिस इज योर कुल्लू, ठीक है, इधर आपको देखने को मिल जाएगा कोटी सारी, ठीक है। तो इसके साथ आपको, रुको, अरसू कहाँ गया यार, नगर, हाँ ये पड़ गया आपका नगर, ठीक है, ये पड़ गया आपका नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, एक आपको मैंने शायरी जगह बोली थी ना, शायरी वाली लाग, ठीक है, कुछ गुस्सा मुंह है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहीं पर आपका जगह सुख, इधर आपका नगर है। वो जगह सुख यहाँ है, देखो ये आपका जगह सुख है नगर में ना, ठीक है, आपको तो क्या ही दिख रहा हो ना, थोड़ा तो दिख रहा हो ना। जगह सुख है ये, ठीक है। ये इधर गए थे, दिस एंटायर एरिया इज अभी नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसके नीचे का एरिया नॉट ऑक्यूपाइड, जो ये पर्पल वाला एरिया है, इसका भी एक छोटा सा पोर्शन ऑक्यूपाई किया है। मतलब अगर आपको मैं बता दूं, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो दिस इज योर कुल्लू, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा मनाली, ठीक है, इधर आ जाता है आपका नगर, और बीच में पड़ गया आपका जगत सुख, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कुल्लू, ठीक है, उसके बाद आ गया आपके इधर ये सैंज घाटी वगैरह, इधर आ गया आपका आनी निर्मंड वगैरह, ठीक है, सैंज, ठीक है। सो वो आए, इधर आपका पड़ गया चलो मणिकरण वगैरह, जगत सुख ही है जगह का नाम, आज भी जगत सुख है। वो मनाली और नगर के बीच पड़ता है अभी भी, ठीक है, मनाली और उसके बीच द राइट बैंक। वो पहले मणिकरण जाएगा बृहंग मणिपाल, वहां के बाद कहाँ जाता है वो, जगत सुख। जगत सुख और नगर साथ है, तो वो तो जगत सुख को एक्वायर करेगा। जो राजेंद्र पाल था वो पहले किसको अटैक करता है, कोटी बरसाए करके जगह का नाम है, विच इज द कंबाइंड एरिया जो आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा, जगत सुख और नगर। लेकिन वो अटैक फेल हो जाता है, लास्ट में वो बोलता है कि भाई शादी कर लेता हूँ, शायद शादी से एक्वायर कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पर एक टेरिटरी होगी, है ना, यहाँ पे टेरिटरी होगी विच विल ज्वाइन मनाली एंड जगह सुख, या फिर कोटी बरसी इलाका जो आपको मैंने गंजन करके जगह बोला। सो ये जो नेक्स्ट टारगेट जा रहा है वो क्या जा रहा है,
मनाली साइड, समझ आ रहा है ना वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, मनाली साइड। सो मनाली कैसे पहुंचेंगे, वो जगसू को नगर को उसने वो थ्रू मैट्रिक में कैप्चर कर दिया, उसका तो नेक्स्ट स्टेप कैप्चर करेगा गजन टेरिटरी। गजन टेरिटरी समवेयर बिटवीन मनाली एंड जगत नगर। सो मतलब नेक्स्ट जो राजा या कुछ एक्वायर करने को एक्विजिशन देसी वो क्या बोलेगी आपकी मनाली, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी चिंदी चिंदी राजा आते हैं, एक है आपका विशलपाल और विशुद्धपाल। कौन कौन आते हैं, विशलपाल और विशुद्धपाल। सो जो नेक्स्ट है उसमें से इकट्ठे लिखना है आपने, विशलपाल और विशुद्धपाल, ठीक है। विशलपाल और विशुद्धपाल यहाँ पे लिख दो आप, विशल और फिर लिख दो विशुद्धपाल। सो ये दोनों इकट्ठे करेंगे, दोनों भी है एंड जनरली बड़ा छोटा छोटा इनके आगे। अब व्हाट इज दिस विशलपाल, व्हाट इज दिस विशलपाल, ये क्या करेगा विशलपाल, ठीक है। विशलपाल क्या करेगा, विशलपाल ही विल कैप्चर योर नागर, ही विल कैप्चर योर नगर या नागर वाला एरिया है ना। और वहां पे क्या होता है, वहां का जो लोकल राणा था जिसका नाम था आपका करमचंद। सो हु वाज द लोकल राणा, ही वाज योर करमचंद। तो वो करमचंद को हरा देगा। तो वो पूरा नहीं कैप्चर किया था ना उसको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे हम कैसे करते हैं। जैसे सीएम है, सीएम के आगे एमएलए है, उनके अपनी अपनी वो है, उनके आगे आपको देखने को क्या मिल जाएंगे एक तरह से पंचायत वगैरह। सो उसने ओवरऑल एक एरिया कैप्चर किया है कि भाई इट इज अंडर माई सॉवरेनिटी। लेकिन क्या पता जैसे ही राजेंद्र पाल मरा होगा इसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी होगी, नगर जो एक्चुअल जो प्रेजेंट नगर है, एक एरिया मैं आपको बोल दूं सुमटी एरिया। सुमटी एरिया में विकास नगर आ गया, सुमटी एरिया में देवनगर आ गया, सुमटी एरिया में आपका नीचे पंथाकट्टी आ गया। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसने विकास नगर को कैप्चर किया अलग से जाके स्पेशली जाके नगर को, तो इस तरह से वो स्पेशल जाके, अब ये ना उसमें मेंशन है ना किसमें मेंशन है, क्या पता इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी होगी कि जैसे राजेंद्र पाल मरा कि भाई मैं नहीं रहना सकता आपके अंदर, तो फिर उसको दोबारा उसने अटैक किया होगा। या क्या पता नगर का जो राजा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इनके लिए, या वो नगर कैसे था, मेन तो वही था, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से वो जाके प्रॉपर जाके आपका जो नगर है उसको कैप्चर कर देता है फ्रॉम योर नगरचंद। अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, अब नेक्स्ट जो ये आपका विशुद्धपाल आता है, इट इज सेड दैट कि ये इसको कैप्चर कैपिटल भी चेंज करना चाहता था लेकिन ये कैपिटल चेंज नहीं कर पाता। इसका सपना कौन पूरा करेगा, इसका सपना कौन पूरा करेगा, आपका विशुद्धपाल। अब विशुद्धपाल क्या करता है, ऐसी एरो लगा के कि ही शिफ्टेड द कैपिटल, ही शिफ्टेड द कैपिटल, ठीक है, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू योर नगर, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू योर नगर। अब यहाँ पर एक ड्रॉप, एक यहाँ पे खप क्या है कि जो ये जगासुख थी ये पूरी 100 साल कैपिटल रही, ऐसा बोलते हैं जगासुख थी पूरे 100 साल कैपिटल रही। सो अगर हम देखेंगे चलो एवरेजन 30, यहाँ के राजा लंबी रेंज, यहाँ के राजा ने लंबा रेंज किया है अराउंड में 30 से 40 तो कर ही देते थे ये रेंज, ठीक है। तो वो लंबा रेंज होता था, ये तो असल में बंदे की टीट होते फटाफट चंबा के है वो तो ठीक है। तो बृहंगमणिपाल और राजेंद्र पाल अगर आप देखोगे कम से कम चलो 80 तो बनता है, 80 तो बनता है। उसके बाद अगर 20 साल ये भी जीता है या 25 या 30 30 30 कर दो तो पूरे 100 साल बनते हैं उसके। और पूरे 100 साल बाद आप देखोगे विशुद्धपाल कैपिटल को शिफ्ट कर देगा टू योर नगर। नगर क्यों, नगर मैं आपको नगर का सिग्निफिकेंस बताता हूं। नगर इज द प्लेस जहां से आप टुवर्ड्स योर कुल्लू मनाली कहीं को भी डाइवर्ट हो सकते हो। नगर एक ऐसी जगह है, नगर एक ऐसी जगह है वहां से आप बिजली महादेव साइड निकल सकते हो, ऊपर को ट्रैक होते हुए निकलने का उससे मणिकरण भी निकल सकते हो, है ना, निकलने का बस। तो नगर एक ऐसी जगह है और वो इट इज सेट कि इट इज इन द सेंटर ऑफ कुल्लू। कुल्लू जो खुद कुल्लू है ना, जो खुद कुल्लू है प्रेजेंट डे, वो खुद सेंटर में नहीं है। नगर कैन बी, नगर कैन बी इसकी वो थोड़ा आपका मनाली के पास, आपका जो प्रेजेंट डे कुल्लू है उसके पास। एंड दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो आपका जगह सुख था उसकी जो टेरिटोरियल लोकेशन है ना, इट इज लाइक वेरी क्लोज टू द रिवर, तो थोड़ा शायद बाढ़ बुढ़ का खतरा भी हो सकता है उस टाइम तो। और जो नगर है इट इज थोड़ा ऊपरली साइड को, मतलब थोड़ा हिल के ऊपर है नगर, है ना। तो नगर थोड़ा हिल के ऊपर, जो कैसल है ना तो वहां से वो पूरा एरिया को देख सकता था, वो जो उसने नगर कैसल बनाया ना जो होटल आज की डेट में, वहां से वो पूरा एरिया देखता था, मॉनिटर कर सकते थे। तो नगर के कुछ अपनी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन हो।
बहुत ज्यादा फर्टाइल है, सेब सूब गुड, ठीक है। और वैसे ही नगर को एक्वायर करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि यू हैव टू क्लाइम द माउंटेन। आप तो सड़कें निकल गई है ना, जगसु कैसे, जगसु बिल्कुल प्लेन में था, नगर वॉज ऑन द हिल, नगर एक हिल के ऊपर बना था, तभी तो नगर नाम रखा उसका, ठीक है ना। नगर मीन्स अ प्लेस विच इज इनएक्सेसिबल, है ना। नगर का ऐसा मतलब होता है जहां पे आप रह सको, आराम से चिल मार सको, ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने वो किया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट उस पे, अब है आपका रुद्रपाल, ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ पर जितनी भी लीनेज थी, दे आर, ये जो चार राजा किए, इनका इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में ये कॉमन है कि दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, है ना। इनमें ये कॉमन कि दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। तो ये चार लिंकेज आपको पता होने चाहिए। बृहन मणिपाल केम फ्रॉम प्रयाग, देन टू हरिद्वार, देन टू मणिकरण, देन टू जगतसुख, दैट इज योर नस्ट, स्टेड अंडर द कोर्ट ऑफ सम लोकल राणा, ठीक है। उसके बाद ही एक्वायर्ड द किंगडम। नेक्स्ट केम राजेंद्र पाल, ही वॉन्टेड द कोटी बरसाई एरिया, मतलब फुल कंट्रोल चाहता था वो एरिया का, मतलब फुल कंट्रोल। एक लुक अगर मैं बोलूँ कि मेरे को बीसीएस का फुल कंट्रोल चाहिए, तो मेरे को सेक्टर एक से सेक्टर छह का फुल कंट्रोल चाहिए, वो उसने चाहा, वो चाहता था, वो जीतता भी है, बट दैट वॉज नॉट सेटिस्फाइंग विक्ट्री ना, क्या पता उसको पूरा कंट्रोल नहीं दिया होगा। अब दामादे छोड़े कि चाबी दे दी पूरी की, भाई जाओ आप खुश रहो, ठीक है। क्या पता उसने ऐसा बोला होगा कि भाई यू कैन नॉट गेट द मेन एरिया, बट यू कैन जस्ट एक्ट लाइक अ गवर्नर और अ प्रेसिडेंट ऑफ द एरियाज। सो उसकी ख्वाहिश पर पूरी करेगा विशल पाल, व्हेन ही कैप्चर्ड विशल बजा बजा के करमचंद ऑफ नगर। इसकी जो ख्वाहिश थी वो कौन पूरी करेगा, विशुद्ध पाल, व्हेन ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल एंड शिफ्टेड इट टू नगर, ठीक है जी। तो ये वाला है। अब अगले जो हम अगले हम जो करेंगे वो करेंगे हम छह राजा, आपका रुद्रपाल, प्रसिद्ध पाल, संसार पाल, दत्तेश्वर पाल, जरेश्वर पाल, कट्ठे। इनके टाइम में क्या है, एरिया गया है, इनके टाइम में कुछ नहीं, हारे ही है एरिया, कोई चंबा से हारा है, कोई स्पीति से हारा है, समझ आ रही है। जो हम जो नेक्स्ट ट्रेन करेंगे वो नेक्स्ट ट्रेन करेंगे हम वीक राजाओं की, ये थोड़े पावरफुल थे इन्होंने कैप्चर कर दिया। अब जो नेक्स्ट है दैट इज योर, शुरू कर दो, ऊपर हेडिंग लिख दो रुद्रपाल एक, फिर लिखो प्रसिद्ध पाल, रुद्रपाल, प्रसिद्ध पाल, वैसे रुद्रपाल प्रसिद्ध पाल साथ लिखो आप, रुद्रपाल में डैश लगा दो, रुद्रपाल डैश प्रसिद्ध पाल, जैसे ये लिखा था ना, इसको इकट्ठा लिखो रुद्रपाल डैश प्रसिद्ध पाल, पहले रुद्रपाल और प्रसिद्ध पाल करते हैं। देखो रुद्रपाल के टाइम क्या हुआ, रुद्रपाल वॉज नॉट अ एबल गवर्नर या एबल किंग एट दैट टाइम, एंड ड्यूरिंग हिज टाइम द कुल्लू वॉज रेडिड बाय स्पीति, ठीक है। द कुल्लू वॉज रेडिड बाय स्पीति किंग राजेंद्र सेन, ठीक है। सो मैं आपको बोल रहा हूँ रुद्रपाल, नाम रुद्र थे नहीं काम नहीं हुआ, दूसरा आपको बोला मैंने प्रसिद्ध पाल, ठीक है। अब द इनके बीच लिंकेज क्या है ना, द कॉमन थिंग विच कनेक्ट देम इज योर स्पीति, समझ आ रही है आपको, द कॉमन थिंग विच कनेक्ट देम इज स्पीति, बोथ आर कनेक्टेड। हाउ, इट इज सेड दैट ही लॉस्ट टू स्पीति, इट इज सेड दैट ही लॉस्ट टू स्पीति, है ना, एंड स्पीति वॉज अंडर योर राजेंद्र सेन, स्पीति वॉज अंडर राजेंद्र सेन, ठीक है। यहाँ का राजा कौन है, राजेंद्र सेन। सो योर रुद्रपाल विल लूज टू स्पीति और एरिया वो हार जाता है। अब क्या बोलेगा, अब इसमें क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि योर रुद्रपाल विल पे एनुअल ट्रिब्यूट, कितना एनुअल ट्रिब्यूट टू स्पीति, ये तो हमको पता है स्पीति कर रहे हैं। अब ये एनुअल ट्रिब्यूट कितना था, एनुअल ट्रिब्यूट कितना था, इट इज सेड दैट कि जो एनुअल ट्रिब्यूट था इट वॉज योर सिक्स आना, ठीक है ना, सिक्स आना, छह आने देता था ये, उस टाइम के बहुत होते होंगे, ठीक है, सिक्स आना। उसके बाद इनके बीच एक राजा आएगा, उनके उनके उन इन, इन सबके बीच एक राजा आएगा, ठीक है। उसको हम कैसे करके करेंगे, उसको हम अलग से उसको हमने लिखना नहीं है, मेंशन नहीं करना है। सो नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड, इट इज अ प्रसिद्ध पाल। प्रसिद्ध पाल क्या करेगा, ही वॉज स्ट्रॉन्ग हेंस स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट, ये ट्रिब्यूट देना बंद कर देगा स्पीति को, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे FYI, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर इन्फॉर्मेशन क्या है कि हामिर पाल वॉज द लास्ट किंग टू पे ट्रिब्यूट टू स्पीति। तो किस राजा ने आखिरी बार ट्रिब्यूट दिया था, वो दिया था आपका हामिर पाल ने, इसको कर दो अंडरलाइन, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इस राजा को,
एक एक लाइन के लिए पूरा का एक को पढ़ना। तो ये स्टोरी है, रुद्रपाल से शुरू होती है, प्रसिद्धपाल पे खत्म होती है, बीच में कैमियो रोल के लिए एक हीरो आएगा, उसको हमने पढ़ दिया। अब जो प्रसिद्धपाल था उसने किया क्या, इट इज सेड दैट प्रसिद्धपाल स्टॉप ट्रिब्यूट, ठीक है, ड्यू टू विच क्या होगा, क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, क्या होगी, वॉर। जैसे ही ही विल स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट, दिस विल लीड टू वॉर विद स्पीति। अब राजेंद्र सिंह तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दो लीनेज चलेगी, एक रुद्रपाल की चलेगी, एक आपकी हमीरपाल की चलेगी, तो ऑब्वियसली ये भी मर सकता है। तो द नेक्स्ट स्पीति किंग वॉज वेरी वेरी वीक, नेक्स्ट स्पीति किंग वॉज वेरी वेरी वीक, एंड उसका नाम था चेत सेन, उसका नाम था चेत सेन। सो द जब वॉर विद स्पीति होता है, सो योर चेत सेन वॉज डिफीटेड, चेत सेन क्या हो जाता है, ही वॉज डिफीटेड, ये चेत सेन हार जाता है, समझ आ गया, चेत सेन यहाँ पे हार जाता है। अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, अब जब वॉर होगा कहीं ना कहीं तो वॉर होगा ही होगा, वेयर विल दिस वॉर टेक प्लेस, वेयर विल दिस वॉर टेक प्लेस, ये चलता है आपका रोहतांग पास में, कहाँ चलता है, रोहतांग पास में। सो द आई कैन सी इट इज इट वॉज द बैटल ऑफ रोहतांग पास, मेरे लिए तो बैटल ऑफ रोहतांग पास ही हो गया ये, ठीक है। एक लड़ाई होगी प्रसिद्ध पाल की और स्पीति के राजा चेत सेन की, कहां पर, रोहतांग पास में, और प्रसिद्ध पाल जीत जाएगा। अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, विल योर प्रसिद्ध पाल गेट स्पीति, उसको स्पीति एक्वायर करना चाहिए, कि वो एक्वायर कर पाता है, ऐसा कैसा कुछ, नहीं कर पाता एक्वायर, क्यों, अब आप समझना, चंबा का डायरेक्ट कंट्रोल होता था लाहौल पे, सो इट इज सेड दैट एज सून एज ही वॉज ट्राइंग टू एक्वायर लाहौल, द चंबा राजा इंटरवीन, चंबा राजा बीच में आ जाता है, फिर क्या होगा, चंबा का राजा भी हारेगा, बट वो एरिया नहीं एक्वायर कर पाता, कौन, प्रसिद्ध पाल। बट इट इज सेड दैट कि योर प्रसिद्ध पाल लिबरेटेड, योर प्रसिद्ध पाल लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम चंबा एंड स्पीति। सो एक ये स्टोरी भी है इसमें। अब बाकी कहीं ज्यादा रेफरेंस दिया नहीं चंबा का, कि चंबा कैसे एक्वायर किया, पर चंबा को अगर आप देखोगे ऐसा कहीं हमने रेफरेंस नहीं किया है, और मेरे ख्याल से ये स्टोरी गलत है, क्यों, क्योंकि मेरु वर्मन का बैग जितेश्वर पाल के टाइम, ठीक है ना, लेकिन ब्लोखरा में लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए उस टाइम चंबा ही नहीं है, कोई लोकल राणा हो सकता है, हाँ कोई लाहौल पतन वैली का राणा हो सकता है, जो चंबा को अपना, चंबा तो छोड़ो उस टाइम तो ब्रह्मपुर था, चंबा तो छोड़ दो। सो मेरे हिसाब से तो दिस दिस कैन नॉट बी ट्रू, बट हम जैसा बुक में है ना, आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर ये होना ही नहीं चाहिए। सो इट इज सेड दैट कि इट ही लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम योर स्पीति ओनली, ठीक है। एक ये चीज मेरे को यहाँ पे थोड़ी ऑड लगी, क्योंकि जो मेरु वर्मन था वो तो दत्तेश्वर पाल के टाइम आएगा, वो आगे जाके आएगा, जो कहानी चलेगी। सो ये थी आपकी रुद्रपाल और प्रसिद्ध पाल की पूरी कहानी। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आता है उसका नाम था आपका संसारपाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो राजा आता है उसका नाम था आपका संसारपाल, ठीक है। अब संसारपाल के टाइम क्या होगा, संसारपाल वॉज वीक एंड इवेंचुअली द स्पीति रूलर्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, स्पीति के राजाओं को रिवेंज लेना था। सो इट इज सेड दैट द संसारपाल वॉज रेडिड ओवर बाय स्पीति रूलर्स और द तिब्बतियन रूलर्स, इसका भी कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। जो आपका संसारपाल आया, इट इज सेड दैट ही वॉज रेडिड बाय स्पीति स्लैश तिब्बतियन रूलर्स, ठीक है ना, स्पीति और स्लैश तिब्बतियन रूलर्स। अब यहां पर क्या, एक शॉर्ट में लिख दो FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, या की नोट, ड्यूरिंग संसारपाल एक्सटेंशन ऑफ प्री बुद्धिस्ट एक्सटेंशन ऑफ प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी अकर्ड, प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी अकर्ड। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि दिस इज योर कुल्लू, दिस इज योर लाहौल स्पीति, दिस इज योर लद्दाख, दिस इज योर जम्मू कश्मीर, दिस इज योर तिब्बत, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ।
अब हम देख रहे हैं, एंड दिस इज योर किन्नौर, ठीक है, द ओनली थिंग विच सेपरेटिंग देम, कुल्लू समहाउ एक्वायर्ड योर स्पीति, चाहे ट्रिब्यूट लेता था, एंड स्पीति एट द टाइम वॉज अंडर हिंदू डायनेस्टी, प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी, नॉट इतना ज्यादा बुद्धिस्ट थे। ये हो सकता है कि द स्पीति पीपल केम, दे इनवेडेड योर लद्दाख, बहुत पहले आगे होंगे, स्ट्रांग हो रहे होंगे, एंड इवेंचुअली दे विल कम टू स्पीति, दे विल कम टू स्पीति एंड देन दे विल ऑल्सो गो टू कुल्लू। अपने साथ क्या लाएंगे, टिबिटियन कल्चर एंड बुद्धिस्ट कल्चर इज सेम, थोड़ा बहुत बट डिफरेंस तो है ना। वट इज योर प्री बुद्धिस्ट कल्चर, हिंदू कल्चर विच वॉज प्रोपगेटेड बाय योर अशोका एट दैट टाइम, थोड़ा उसमें हिंदू का जिस्ट है, ठीक है, जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे आप तो आप उनसे जो भी करेंगे उसे समझना। सो बेसिकली मेरे ख्याल क्या मतलब है, वेन द टिबिटियन अटैक्ड स्पीति अलॉन्ग विद योर कुल्लू, मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी जो ये संसारपाल था उसने स्पीति को अपना एरिया बचाने के लिए क्या पता सपोर्ट किया होगा स्पीति को, वैसे भी स्पीति संभव वॉज कैप्चर्ड बाय हिज फादर प्रसिद्ध पाल। सो इवेंचुअली यू विल सी द एंटायर ओल्ड बुद्धिस्ट कल्चर जो थोड़ा हिंदू का मिक्स था, देखो कल्चर जनरली ना मिक्स होते हैं, ऐसे तो नहीं निकलेगा ना एकदम से वट इज योर बुद्धिस्ट कल्चर एंड जैनिज्म योर, सो इट इज द जिस्ट ऑफ योर हिंदू कल्चर एंड समदर कल्चर ओनली, है ना। सो कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े कल्चर आए हैं उठ के, तब वो कल्चर बनाए। तो ऐसा हो सकता है कि द तिब्बतियन पीपल व्हेन रेडिड स्पीति, उन्होंने जो अपना कल्चर लाया वो इतना स्ट्रांग था कि जो प्री बुद्धिस्ट कल्चर था वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, उसके जैसे आपको जो प्रेजेंट डे तिब्बतियन कल्चर है ना वो देखने को मिलता है, जो प्रेजेंट डे विच इज योर आइडल्स, विच इज योर बड़े बड़े स्टैच्यूज, विच इज योर मॉन्क्स वगैरह वगैरह, ठीक है, पूरा का पूरा फंडा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दत्तेश्वर पाल, है ना, राइट लाइक दिस, दत्तेश्वर पाल, ठीक है, दत्तेश्वर पाल एंड योर जरेश्वर पाल, इस तरह से लिखो इसको, ठीक है, थक गए। नहीं, रेड का मतलब होता है कि लूट पाट करके चले गए, कॉन्कर होता तो हार गया, रेड का मतलब क्या हुआ, मैं इधर आया, इधर से बंदे उठाए, एक आधे बंदे मारे, सोना चांदी उठा गायब, रेड का मतलब वो होता है ना, रेड क्या होती है, एकदम से आ जाना और भाग लूट पाट करके चला जाना। एक होता है प्रॉपर वॉर कॉन्करिंग, जो पूरे प्लान से आए, 2-3 साल लड़े, 5-6 साल लड़े, 10 साल लड़े, फिर जीते, फिर एक्वायर किया, फिर गए। रेड का मतलब क्या हो गया, आप आए एकदम से, रेड कैसे आती है क्विकली, रेड का मतलब क्या होता है, पता नहीं चलेगा रेड पड़ गई जी, वही तो ना, आए एकदम से लूट के चले गए, मतलब समवन इज अनप्रिपेयर्ड। वॉट इज अ वॉर, वॉर में कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि भाई वॉर होने वाली है, चाहे आप पहले अटैक करोगे ना, जैसे मान लो आप मैंने वॉर कर दिया, आप अभी तैयार नहीं हो, वो वॉर एक दिन में कभी भी नहीं खत्म होगा, आप फिर इवेंचुअली काम करना शुरू कर दोगे। रेड में क्या, मैं आया आपको लूट पाट करके नीचे निकल गया, क्या पता वो अटैक करके किन्नौर निकले होंगे, फिर किन्नौर में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना यार, तिब्बतन जो लोग थे क्या पता वो लूट पाट करके धर्मशाला निकले होंगे, फिर वहां पे उन्होंने तिब्बतन कल्चर फैलाया, कुल्लू से धर्मशाला भी जा सकते हैं, किन्नौर भी जा, कहीं भी फैल सकता है बंदा उसके बाद, ठीक है। अब दत्तेश्वर जरेश्वर पाल की क्या स्टोरी है, इट इज सेड दैट दत्तेश्वर पाल की क्या स्टोरी है, दत्तेश्वर पाल के टाइम एक राजा हुआ करता था जो था आपका चंबा का राजा। सो व्हाट इज द मेन थिंग विच इज कनेक्टिंग देम, व्हाट इज द मेन थिंग विच इज कनेक्टिंग देम इज चंबा, ठीक है। तो दत्तेश्वर और जरेश्वर के बीच में एक कनेक्शन है, दैट इज योर चंबा टाउन। चंबा का जो राजा था मेरू वर्मन, ऐसा कहा जाता है कि ही इन्वेडेड कुल्लू। अब इन्वेड क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बकायदा कैप्चर करने जाना, है ना, इन्वेड का मतलब होता है कि आप पूरी आर्मी के साथ तसल्ली से एरिया इन्वेड, मतलब पूरा एरिया उठा के लाए अपने पास, है ना। सो आपका मेरू वर्मन, इट इज सेड दैट योर मेरू वर्मन अटैक्ड या इन्वेडेड योर कुल्लू। कुल्लू का राजा कौन तत्तेश्वर पाल। अब इट इज सेड दैट तत्तेश्वर पाल का एक बेटा हुआ करता था, इसका नाम था अमरपाल। तो अमरपाल वॉज किल्ड, अमरपाल मर जाता है इस वॉर में। सो अब दोबारा से
शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। ततेश्वर पाल जरेश्वर पाल है ना, द कॉमन कनेक्शन बिटवीन देम इज चंबा, चंबा की कहानी पढ़नी है मेन, इसमें इन्होंने कुछ खुद किया है नहीं। ततेश्वर पाल को मेरु वर्मन अटैक करेगा। इट इज सेड दैट ततेश्वर पाल हैड टू सन्स, ततेश्वर पाल हैड टू सन्स, एक का नाम था आमिर पाल और एक का नाम था शिथल पाल, एक का नाम था शिथल, SITHAL शिथल पाल, ठीक है जी। सो इट इज सेड दैट ततेश्वर पाल वॉज किल्ड, ततेश्वर पाल भी मारा गया, अमर पाल भी मारा गया। द सेकेंड सन विल फ्लाई टू बुशहर, द सेकेंड सन विल एस्केप टू या फ्लाई टू बुशहर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जब राजा ही चला गया सो इवेंचुअली योर कुल्लू विल कम अंडर, कुल्लू किसके अंडर आ गया, कुल्लू आ गया चंबा के अंडर, इसीलिए मैं बोलता हूं, और इस फर्स्ट इंस्टांस है, इससे पहले ऐसी घटना नहीं घटी, इसलिए प्रसिद्ध पाल वाली चंबा वाली कहानी गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन ऐसा कहा जाता है शिथल पाल के बाद पांच राजा आएंगे जो बुशहर में रहते हैं, पांच राजा आएंगे जो बुशहर में ही रहते हैं। इसी दौरान अगर आप समझोगे, हमने एक कहानी पढ़ी थी, चंबा में भी पढ़ी थी, कांगड़ा में भी पढ़ी थी, है ना, अब हम कुल्लू में दोबारा से पढ़ रहे हैं। If you remember, there was some Kiraz. अब इस स्टोरी को एक मोड़ देते हैं खुद, ठीक है, एक स्टोरी को मोड़ देते हैं, इधर कर देते हैं लद्दाख, इधर कर प्रेजेंट मैप बना रहा हूँ मैं आपको, जो मैप है, ठीक है, इधर कर देते हैं कुल्लू, इधर कर देते हैं आपका चंबा, इधर कर देते हैं कांगड़ा। अब आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब हम प्रसिद्ध पाल के टाइम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, प्रसिद्ध पाल के पास। चलो जी, तिब्बत आए, लद्दाख को रेड किया, ओहो स्पीति रह गया मेरे से, सॉरी, ठीक है, लाहौल और स्पीति कर दो इसको, इससे करके, ठीक है, मतलब ऐसे करके लद्दाख को रेड किया, लद्दाख के बाद तिब्बत को रेड किया, मान लो तिब्बत के बाद वो कुल्लू को रेड करते हैं, मान लो कुल्लू के बाद आधे बंदे चले गए बैजनाथ, तिब्बतियन थे, किराज क्या है, किराज ज्यादा तिब्बतियन पीपल, मान लो, और आधे बंदे जैसे बुशहर रामपुर किन्नौर निकल गए अपना कल्चर बढ़ाने, अब क्या होगा, अब ये बैजनाथ में कुछ किराज, बैजनाथ में कुछ तिब्बतियन पीपल चले गए जो तिब्बतन रेडर्स थे, वहां पर जब वो बैठना शुरू करते हैं दे कॉल देमसेल्व्स एज कीर्स, और क्या एस्टैब्लिश करेंगे, कीराग्राम, क्या एस्टैब्लिश करेंगे, कीराग्राम, समझ आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, लग रहे हो मेरे को थोड़ा सा फ्यूज उड़ा है आपका, कहां से नहीं आ रहा, पूरा ही नहीं आ रहा कि, चलो पहले मेरे को कंप्लीट कराने दो, ठीक है, अभी आप, अरे पर देखो तो कीराज थे ये बैजनाथ में, इन्होंने अपना टाउन एस्टैब्लिश किया कीराग्राम, भी बैजनाथ नहीं बना, ये कीराग्राम है इस टाइम, कुंदू बुंदी का करके रिवर होती थी, उसके किनारे उन्होंने बना दिया। अब आप समझो क्या हो रहा है, चंबा में मेरु वर्मन है, मेरु वर्मन बहुत स्ट्रांग था और बहुत पहले था, मतलब बहुत पहले था, इसकी मेरु वर्मन को हराना तो मतलब मजाक था ना। तो अब देखो कुछ कैसा टाइम आएगा, एक राजा आता है जिसका नाम था लक्ष्मण, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी वर्मन, एक राजा आता है जिसका नाम था लक्ष्मी वर्मन, ये भी बड़ा स्ट्रांग था, कुछ छोटा मोटा राजा नहीं था लक्ष्मी वर्मन, लेकिन लक्ष्मी वर्मन के टाइम आ जाता है प्लेग, लक्ष्मी वर्मन के टाइम क्या जाएगा, प्लेग, और इसके टाइम भुखमरी बहुत कुछ हो जाएगा। तिब्बतियन को लगता है कि अब इस एरिया को भी कवायर कर लेते हैं लगे हाथों, सो जो कीर थे दे विल अटैक लक्ष्मी वर्मन, या लक्ष्मी वर्मन जो भी उसका नाम है, लक्ष्मी वर्मन नहीं, मेरे को लक्ष्मण वर्मन याद आ रहा है, कल का लक्ष्मण सेन पढ़ा है ना दो तीन बार, तो द कीराज विल अटैक लक्ष्मी वर्मन, कर दिया अटैक, व्हाट विल हैपन, ये न्यूज पहुंचती है किसी तरह से। अब कुल्लू में कौन थी, कुल्लू में थी चंबा की आर्मी, होगी ही नहीं होगी क्योंकि कुल्लू मेरु वर्मन के पास है, सो ये आर्मी मान लो लड़ने जाएगी ऐसे करके इधर, अब कुल्लू हो गया खाली, बुशहर में कौन बैठा है, जरेश्वर पाल को पता लगता है कि भाई चंबा के ऊपर मोटी आपदा आई है, ऐसा करते हैं यही सही टाइम है
मैं अपना राज्य वापिस ले सकता हूं, तो कुल्लू से कौन आएगा, बुशहर, सॉरी बुशहर से कौन आएगा, जरेश्वर पाल बुशहर की आर्मी के साथ, और जो बचे कुचे लोग थे चंबा के उनको हरा के अपना एरिया वापिस ले लेता है। तो ये कहानी कहां से शुरू हो रही है इसको कनेक्ट करो, प्रसिद्ध पाल की रेंज, प्रसिद्ध पाल के बाद कौन था वो, संसार पाल। संसार पाल के टाइम तिब्बत ने अटैक किया, तिब्बत ने कुल्लू को रेड किया, और उसके बाद चले गए वो बैजनाथ, और वहां पर उन्होंने बना दिया किराग्राम। कुछ टाइम बाद लक्ष्मीवर्मन चंबा का राजा बनेगा, उसके टाइम महामारी फैलती है, और कीर के सारे कीर दे विल अटैक चंबा, एंड चंबा को मजबूरन कुल्लू को एम्पटी करके चंबा लाना पड़ता है ताकि चंबा को बचा सके वो, ठीक है। जैसे ही चंबा में पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा, किसी न किसी को तो जगह भरनी है, जगह कौन भरेगा, कुल्लू का असली राजा, विच वॉज द सिक्स डिसेंडेंट ऑफ योर होम, सिक्स डिसेंडेंट ऑफ योर दतेश्वर पाल एंड फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ योर नहीं शिथल पाल, ठीक है। सो इस तरह से कुल्लू आपके जलेश्वर पाल वापिस ले लेता है। किया जो कौन हुआ, हाँ मंडी लाते, उसको मंडी लाते ना मुशान वर्मन को। क्यों, इसमें ऐसा सकता है, उसमें ऐसा सकता है कि क्या पता बैजनाथ का एक एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने उठाया होगा, या पूरा बैजनाथ उठाया होगा, ऐसा हो सकता है, या ऐसा सकता है कि उसको पंडित ने जानबूझ के छुपा के रखा हो, स्मगल कर रहे हो, हमने पढ़ा है कि स्मगल भी करते थे ये, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आप मेरे पास आ गए मुशान वर्मन, रास्ता तो बैजनाथ होते हुए, वैसे आपने पढ़ा कहाँ था बैजनाथ होते हुए, ये बैजनाथ क्योंकि इसने जो रोड क्रॉस किया था वो ये बोलते हैं कि पांगी होते हुए गया था, पांगी होते हुए आया था, मुशान वर्मन बोल रहे हैं ना आप, तो ये हाँ ठीक है, शॉर्टकट है, हाँ और बनता भी है, तो अब इसमें दो चीज होती कि जैसे हम देखते कि या तो वो डिस्गाइज में निकलता है वहां से, और डिस्गाइज में कुछ टाइम रहता है, और फिर डिस्गाइज डिस्गाइज से निकल जाता है, कि ये हो सकता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम क्या पता किल्स प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे। हाँ, और क्या पता माइट भी वो वॉर में इतना बिजी हो, और उस टाइम किराग्राम एम्प्टी हो एक तरह से। एक्वायर करने की कोशिश करोगे, प्रोस्पायर करोगे। अच्छा, तो मतलब इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो किराग्राम एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा। उतरा था नीचे वो, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा हो कि या तो हाँ बीच में पकड़ लेगी, तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो अटैक करने का उतने में वो निकल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब वो महामारी फैली होगी तो क्या पता मुशान वर्मन को और रानी पहले निकल गई होगी अपने जाए मंडी रहे थे वो, मे बी कि वो रुके होंगे वहां पे, और उस टाइम अटैक हो गया होगा, या अटैक का लग गया होगा, उनको पता कि अटैक होने वाला है, उसने पहले निकाल दिया होगा अपने बच्चे को, और जितने को आर्मी अपने अटैक के लिए जा रही होगी वो डिस्गाइज में निकल गया होगा। क्योंकि हाँ, और वैसी यही चीज आप अगर आप महाराजा संसार के साथ देखोगे ना, जब महाराजा संसार चंद एस्केप्ड कांगड़ा फोर्ट, सो ही वेंट टू योर सुजानपुर टीरा, है ना, तो सुजानपुर टीरा भी वो कैसे निकला होगा, मतलब वो भी हटाने वाली बात है ना, कांगड़ा तो पूरा कैप्चर था, कांगड़ा से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा यार, तो ये भी वो बात है। सो निकलते तो वो डिस्गाइज में ही थे, ये तो हमको पता है, मतलब करते तो उनको स्मगल ही किया जाता था, क्योंकि अगर हम कांगड़ा फोर्ट की बात करें ना,
कहाँ कांगड़ा फोर्ट यार, कहाँ यार आपका सुजानपुर टीरा, मतलब इम्पॉसिबल है। और वो बोलते हैं कि कांगड़ा फोर्ट की में जो दो बैक डोर से ना वो निकला था वहां से, उसने राशन मंगाई थी कि उसने बोला था गुरु अमर सिंह थापा को कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तू मेरे को राशन दे दे, मैं तेरे को ज्वेल दे दूंगा इसके बदले। तो जब वो प्लान था उसका, जैसे वो दरवाजा खुलता है ना, बोलते वो डिस्काइज में निकलता है ना। तो वो इनकी ना कॉन्स्पिरसी बहुत लंबी चलती थी। हम देखते हैं ना फिल्मों की जेल के अंदर भी खबरें मिलने आ रहा है इनसे। तो ऐसा हो सकता है कि इसको भी, ये भी इनको पता था अटैक होने वाला है, और इतना टाइम से पहले जब बैजनाथ एक्वायर नहीं किया होगा तब निकल के, वैसे ही बैजनाथ हमने 1200 कुछ में एक्वायर किया था उन्होंने, 1200 कुछ में, और ये कब की बात है ना। तो ये भी हो सकता है। सो मे भी ऐसा था कि पहले रेडर्स हुआ करते होंगे, इन्होंने बस रेड ही करना शुरू किया, उसके बाद इनको लगा कि चलो थोड़ा सेटल हो जाते हैं। ये वाला तो बहुत इजी पाथ है। आप मंडी से कुल्लू, कुल्लू से जैसे वो जाते लास्ट में वहां से मुशान बर्मन क्रॉस करेगा रोहतांग पास वगैरह, दैट वाज द मोस्ट। मुशान बर्मन किधर पैदा होता है? आपका ग्रो कांगड़ा में ना, ग्रो के थ्रेटा नहीं, जो भी है वो ग्रो गारो एरिया वगैरह में, वही है ना कि ही वॉज गार्डेड बाय माउस, वही है ना ये निशान। तो वो उसकी वाइफ उसको वहां पे कंसीव करेगी ना, कांगड़ा के एरिया में, गरो में। तो एक तो ये बात है कि मुशान वर्मन को वो पकड़ ही नहीं सकता था क्योंकि बच्चा था, वो रानी भागी थी, रानी की पालकी भागी थी। अब क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कीरा ने ध्यान नहीं दिया होगा यार कौन जा रहे है ना, बट वो भागी तो पहले होगी। कोई अकाउंट नहीं है ना। तो वो जब वो रानी भागी थी, लक्ष्मण लक्ष्मी वर्मन की रानी भागी थी, तो प्रेग्नेंट थी वो, जब कांगड़ा के थ्रेटा, कांगड़ा के गरो एरिया थ्रेटा करके वहां पे उसने कंसीव किया था ना बेबी, तो मुशान वर्मन तो छोटा ही था उस टाइम। तो या कि अटैक का पहले पता लग गया होगा, उसने रानी को पहले भगा दिया होगा, और उस टाइम किराज ने बैजनाथ नहीं अक्वायर किया होगा, एक ये हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं ना, इट इज रिटन कि कीरग्राम स्टैब्लिश था, और कीरास को इनवाइट किया था कश्मीर के राजा ने, मैंने कराया आपको ये, तीन राजाओं ने मिलकर अटैक किया था, बशोली के राजा, कश्मीर के राजा और कीरास ने मिलकर अटैक किया था। तो ये भी बात है। किसने? लक्ष्मी वर्मन ने कि कीरास ने? हाँ, अरे ब्लोखरा में तो बहुत कुछ दिया है, ब्लोखरा में तो ये तक दिया है कि किरास उसने कब एस्टेब्लिश कर दिए थे। हाँ मंडी तो क्यों जाएंगे वो, कुल्लू से तो आपका बारह बंगाल निकलेंगे ना, बारह बंगाल से भी निकलेंगे। देखो ना अभी इधर मैप इधर तो पूरा है, मंडी मंडी जाने का तो दुख ही नहीं बनता। आप ऐसे निकल, आप बंदे तो ऐसे चल जाते हैं यार, क्या बोलते हैं, मतलब उस टाइम तो, अगर हम अभी जा सकते तो उस टाइम तो चल थोड़ा मुश्किल होगा, बट मंडी, या तो मंडी के बॉर्डर से निकले होंगे, पर आप कुल्लू से जा सकते हो कांगड़ा डायरेक्ट। दूसरा एक अकाउंट ये है, हाँ तामसर वाला पास। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कीरास को इनवाइट किया था, बस मैंने आपको राजाओं के नाम भी लिखा है, मैं तो खुद भूल रहा हूँ कि किसने इनवाइट किया था प्रॉपर, कीरास खुद से नहीं गया था, उनको इनवाइट किया था, इट वाज अ कॉन्फिटरेशन। उनको चंबा को ऐसी तो पहला था, ऊपर से आए, इधर से आए और नीचे से वो आए। अब एक ही रास्ता बचा भागने का, यही वाला रास्ता बचा भागने का। एक उसका पुरोहित था उसके साथ, एक वजीर था, एक रानी खुद थी, और बंदे उन्हें दो तीन पालकी में, पीछे से बंदे लगे हुए थे, चोर पुलिस, और वो केव में चली गई। ठीक है, तो अब क्या ही बोल सकते, क्या हो सकता है यार इसमें, तो क्योंकि हिस्ट्री का भाई है ना, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा है। तो मेन बात क्या थी कि जरेश्वर पाल के टाइम क्या हो जाता है, कुल्लू वॉज लिबरेटेड फ्रॉम लक्ष्मी वर्मन, कुल्लू वॉज लिबरेटेड फ्रॉम योर लक्ष्मी वर्मन। ठीक है, एंड चंबा वॉज अटैक्ड बाय द किरत्स, दैट इज योर तिबिटियंस। ठीक है, मैं तो आपको बोलूँ ना, मेरे हिसाब से तो जो ये किर ट्राइब होगी ना, ये मंगोलॉइड होंगे जो बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुके होंगे वहां पे। और मैंने आपको ऐसी परस्पेक्टिव से पढ़ाया पहले,
जब हम देखते हैं ना कि मंगोलॉइड रहते हैं हिमाचल में स्टार्टिंग में, तो मैं समझता हूँ कि मंगोलॉइड्स की 4-5 ट्राइब्स हमारी स्टैब्लिश हुई, उसमें से क्या पता ये ऑलरेडी लाहौल में होंगे और वो किरत उनको और हम और हमने ये भी पढ़ा और मैंने आपको ये भी बोला था कि इवेंचुअली ही विल एक्सपैंड देयर एम्पायर टिल योर धर्मशाला बाद में किरत, तो क्या पता जब वो ऊपर को गए होंगे तभी तो तिब्बतन कल्चर है वहां पे, और हमको कोई रेफरेंस मिलता ही तिब्बतन कल्चर का, कैसे तिब्बत कल्चर धर्मशाला पहुंच सकता है एक्सेप्ट देन 1961 में आपके दलाई लामा पहुंचे, और बताओ कैसे पहुंच सकते तिब्बतन कल्चर वहां पे, है ना। सो मेरे मेरे हिसाब से ना अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं तो जो किरात तिब्बतियंस थे मे बी दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ ड्यूरिंग द एंशिएंट हिमाचल पीरियड एंड उन्होंने वो, क्योंकि अगर कुंतु बुंदी का रिवर की बात करें ना वो तो बहुत एंशिएंट रिवर, वो तो कब का सिस्टम है यार, वो तो एंशिएंट हिमाचल का सिस्टम है जितना उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, और उनकी जो वो है स्टोन स्लैब है उसको क्या है उनका बैजनाथ की शायरी रॉक इंस्क्रिप्शन, शायरी रॉक इंस्क्रिप्शन तो कुल्लू की है ना, कुल्लू में मेंशन है उनके बारे में। कोई रेफरेंस नहीं है, और बल्कि कुल्लू के शायरी रॉक इंस्क्रिप्शन उनका मेंशन है कि उन्होंने अटैक किया है हमारे पे, ये शायरी रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कुल्लू की, उसमें मेंशन है कि दे अटैक्ड कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ संसारपाल एंड दे हैड देयर। और देखो ना वो जब रॉक इंस्क्रिप्शन में बोला गया है तो ऐसा हो सकता है कि मे भी मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूँ कि रॉक तो ये बोलता है कि दे हैड देयर कैपिटल इन किरत इन योर किरा ग्राम नियर कुंदु बुंदी का रिवर एंड, है ना, कुंदु बुंदी का इनकी ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है। क्या पता इनवाइट किया गया होगा, जो मार्शल रेस आई होगी किरास की वो आई होगी बाद में इन्वाइट किया होगा उनको रेड करने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना हिस्ट्री में पर्सपेक्टिव। तो जैसे आर्यंस ने इन्वाइट किया था, वैदिक आर्यंस को इन्वाइट किया गया था कि आ जाओ हम सेटल हो गए अब लाइफ में, तो क्या मतलब भाई हम भी सेटल हो गए आ जाओ रेडिड, ऐसा भी हो सकता है। सो इधर मैं जनरली किरा पे पहले भी क्लास में बहुत बार ही अपना लोचा हुआ है कि पर इतना जरूर है कि द किराज अटैक्ड योर चंबा विद अलोंग विद योर बशोली एंड योर, या तो बशोली या भद्रवा था लेकिन जम्मू तो है ही है, उनके तो राजा भी मैंने नाम लिखा के दिए, ठीक है। तो ये तो था, तो इस तरह से है। उसके बाद ऐसा और कुछ इसके टाइम खास नहीं हुआ। सो द ओनली रेफरेंस इज अबाउट रिमेंबर वन थिंग, मेरु वर्मन, दत्तेश्वर पाल, जरेश्वर पाल किराज एंड ही गॉट हिज किंगडम बैक, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नारद पाल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नारद पाल NARAD नारद पाल, ठीक है जी, नारद पाल, ठीक है। नारद पाल का क्या सीन था, इट इज सेड दैट व्हेन दिस एवरीथिंग हैपेंड हिज रेन इज मार्क्ड विद, मतलब मार्क्ड विद द 12 ईयर वॉर विद चंबा। जो आपका नारद पाल है, नारद पाल का दरेश्वर पाल, दत्तेश्वर पाल, दरेश्वर पाल, नारद पाल, दे हैव द सेम थिंग कॉमन कि उसका चंबा के साथ लफड़ा था। सो ऐसा बोलते हैं कि द 12 ईयर वॉर वॉज विद चंबा, ठीक है। एंड लास्ट में योर नारद पाल विद साइन अ पीस ट्रीटी, नारद पाल क्या करता है एक पीस ट्रीटी साइन करेगा विद द चंबा रूलर और पूरा का पूरा वॉर स्टॉप कर देता है वो, ठीक है, और पूरा का पूरा वॉर स्टॉप कर देता है। सो द वॉर विच स्टार्टेड फ्रॉम जरेश्वर दत्तेश्वर पाल विल स्टॉप एट योर नारद पाल। नारद मुनि क्या है, ही प्रीचिस पीस, सो भाई ही प्रीच्ड पीस। अब बेसिकली इधर एक आप कहानी भी समझोगी, एक्चुअली ये स्टोरी वो पढ़ी होगी आपने, चंबा की आर्मी रेड करती है द गद्दी आर्मी और ब्यास रिवर के पास एक पुल बनाता है। मैंने आपको कराई है ये स्टोरी पूरी, चंबा का आपको याद होगा, चंबा का राजा जब अटैक करता है तो वो वैसे करके आता है ऊपर से एंड ही वॉज समय कोट काइस के बाद गांव का नाम भी लिखा है कि वो ब्यास रिवर के ऊपर वुडन प्लैंक रख के क्रॉस कर रहे थे। रात को चंबा की आर्मी वो देखती है, गद्दी आर्मी देखती है कि भाई ये वुडन प्लैंक इसके ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। रात को कुल्लू के बंदे, कुल्लू की आर्मी उन वुडन प्लैंक्स को एक पतला फट्टा लगा देगी या कुछ भी झाड़ियां लगा देती है और उसको घास पत्ती से ढक देती है। तो जैसे ही गद्दी आर्मी आएगी, जैसे ब्यास रिवर क्रॉस करेगी वो सारी बह जाती है एंड आफ्टर दैट देर वॉज अ ह्यूज लॉस टू चंबा आर्मी। उसके बाद तो पीस ट्रीटी साइन कर देते हैं, एक तरह से करनी पड़ेगी मजबूरन, ठीक है। तो एक ये एक ये वाला एक इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कि द 12 ईयर वॉर ट्रीटी वॉज स्टॉप्ड, सॉरी द 12 ईयर वॉर वॉज स्टॉप्ड विद चंबा एंड दूसरा कि द कुल्लू पीपल
ड्राउंड चंबा गद्दी आर्मी इन रिवर ब्यास एट योर कोठी विलेज, काइस कोठी आपको मैंने लिखा है तो उस टाइम काइस कोठी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक स्टोरी है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, नारद पाल ही साइंड द पीस ट्रीटी विद योर चंबा राजा एंड स्टॉप्ड 12 ईयर वॉर। उसके बाद कुल्लू पीपल ड्राउंड चंबा गद्दी आर्मी, चंबा की कौन सी आर्मी होती थी, गद्दी आर्मी, एट योर कोठी विलेज या फिर योर काइस कोठी इन रिवर ब्यास, इन रिवर ब्यास। सो ऐसे ऐसा करके फंडा है। कौन सी वाली तो ये ग्लोखरा में है नहीं नहीं ये तो वो ये इनकी तो पुल वाली स्टोरी है, ये तो चंबा में चंबा के रेफरेंस से है, इसमें तो इसमें इसका तो कुछ रोल ही नहीं है इसमें। क्या पता ऐसा हो सकता है कि चंबा की रेफरेंस ये है धक्के मारने वाली, कुल्लू की रेफरेंस ये है कि उन्होंने पार्टी करते करते धक्का मार दिया, पीस हो गया वो, ठीक पैक बुक मार रहे और मार दिए, ठीक है। लेकिन चंबा में क्या लिखा है कि उनको वो क्रॉस करे थे, वो उन्होंने झाड़ू मतलब झाड़ी झूड़ियां कर दी थी और वो लगा कि ये ठीक है सख्त होगा ये, जैसे पांव तो गिर जाते हैं कि पार्टी पुट्टी कर रहे थे। यार और मेरे को ज्यादा मतलब ऐसी प्रैक्टिकली ये वाली बात लगती है कि उन्होंने इस तरह से मारा होगा उनको विद डिस्गाइज, ऐसे के सारे बंदे फूंक दिए उन्होंने दाग पी के, हो सकता है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने कल आपको ये बात बोली थी कि ब्लोखरा जी ने थोड़ा रिसर्च पर्सपेक्टिव से लिखा है तो उन्होंने डुअल अकाउंट्स दिए, मतलब मोटे तौर पर आपको एक बात, आप चाहे ये स्टोरी याद रखो, आप चाहे पार्टी वाली स्टोरी याद रखो, इंडिया को ये पता होना चाहिए किस राजा के टाइम चंबा की गद्दी आर्मी ब्यास रिवर में मरी थी, बस बात खत्म। और किस राजा ने पीस ट्रीटी साइन की थी, चाहे वो दारू पी के ट्रीटी साइन करेंगे, चाहे वो छल से पुल बना के साइन करते हैं, जो करते हैं, बट एक बार ऐसी जब आप काइस कोठी जाओगे ना, यू स्टिल हैव अ ब्रिज देयर, एंड वहां पर यही वाली स्टोरी है कि रेफरेंसेस होते हैं मैम। और अरे मैं बोलना चाहता, चलो चलो अपने बंदे देखेंगे वीडियो, तो आप यहाँ देखो ना, जब बंदा मणिकरण को वशिष्ठ को साथ कर सकता है जिसमें 70-80 किलोमीटर का गैप है, बहुत है बहुत है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं मैम जो हमको जोगटा सर की बुक में करेक्ट करनी पड़ी है। जब हम गए थे ना तो हम कॉपी लेके साथ गए थे, मैं तो टेम्पल में तो लिखा होता है ना, आप मेरे को बताओ आपको माधवराव के बारे में कहाँ पता लगेगा कि भूमि सेन ने बनाया था, संस्कृत विषय में लिखा है, वो ये मैंने खुद देखा था, तो नहीं मिलेगा आपको रेफरेंसेस। सो कई जगह है गलत है, ठीक है, कई आपका मनु टेम्पल उसका भी रेफरेंस गलत दिया है मनाली में, फिर उसको भी हमने फिर करेक्ट किया था, क्योंकि जब जो तो सामने डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, क्योंकि वो जो कोट खाई में कोठी टेम्पल है वहां पे, तो टेम्पल वॉज बिल्ड, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाई देता हूँ एक्चुअली क्या सीन है वहां का। जब वहां पे जब ये मरे थे ना तो वो हॉन्टेड हो गया था प्लेस। मेरा फ्रेंड है नेगी, अभिनय नेगी, वो कोठी का है, कोठी का, तो बोलते हैं कि वहां पे बहुत हॉन्टेड हो गया था प्लेस, तो वहां के जो लोकल देवी देवता ना उन्होंने पूजा प्रार्थना की थी, फिर बिल्कुल उस ब्रिज के पास टेम्पल बनाया हुआ है, एक टावर टेम्पल, जैसे टावर टेम्पल होता है ना हमारे, वैसा टेम्पल बनाया है एक, तो वहां पे ये बोलते कि भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हुआ था, बंदे मतलब बंदों को ड्राउन किया गया था, आर्मी पूरी आर्मी मारी थी। पर चंबा की आर्मी थोड़ी ना थी, आर्मी तो अभी तो भरमौर की आर्मी थी, और भरमौर की वहां नहा नहीं सकते उस नदी में, भरमौर की आर्मी गद्दी आर्मी है, उसके बाद चंबा तो अभी तो साहिल वर्मा आया ही नहीं है अभी, उनको नहीं थी, और वो मरे भी रात को थे, उन्होंने रात को अटैक किया था, क्योंकि जो अकाउंट है वो ये बोलता है कि शाम को उन्होंने स्लीपर के, अरे मेंशन है पूरा, मेरे को पूरा
द कुल्लू आर्मी रिप्लेस्ड द वुडन स्लीपर्स, टू वुडन स्लीपर्स लगाए थे उन्होंने, रिप्लेस द वुडन स्लीपर्स विद योर श्रब्स एंड योर लीव्स, ऐसे लिखा है रेफरेंस में उसमें। हाँ छाल उसको लग गया था। एंड शाम को क्या था ये, मतलब नाइट में, ताकि देख ना पाए। जब रात को उन्होंने अटैक करना था कोठी, क्योंकि कोठी फोर्ट भी है वहां पे, तो राजा जो ये नारदपाल होगा, ये कोठी फोर्ट होगा मान लो वहीं पर है ना, कोठी फोर्ट में। तो जब वो अटैक करता है ना, तो वो रात को वो स्लीपर टूट गया होगा। अब क्या पता दो तीन अंदर भी चले गए होंगे, लाट थोड़ा लेट टूटा होगा, कमजोर होता गया होता गया, फिर टूट गया, क्या पता एकदम ही टूट गया। तो ऐसा बोलते कि मरे थे लोग, हॉन्टेड हो गई थी जगह, फिर टेम्पल स्टैब्लिश करना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि पर ये तो नहीं है कि रावी वाला तो नहीं है, क्योंकि अभी चंबा तो नहीं पहुंचे हम, और भरमौर में तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिवर वहाँ पे आपकी रावी है नहीं, और जो नदी बहती है नदी का नाम भूल गया, उस पर आप मतलब इम्पॉसिबल है स्विमिंग करना, वो तो वो दैट इज अ रिफ्ट वैली बेसिकली, बिल्कुल संकरी कैनियन बेसिकली, जो कैनियन होता है ना लंबी घाटी और संकरी घाटी, तो वो वाला फंडा है। तो ऐसे सब फंडा है, बस मेन बात वही है, मैंने आपको बोल दिया, आप बस स्टोरी कुछ भी बोल दो, चाहे आप ये बोल दो कि वो पकड़ के लाए और फिर डाले सप्तुत में डुबा डुबा के, ब्यास में डुबा डुबा के मारा, बस आपको बंदे का नाम, आर्मी का नाम, रिवर का नाम और जगह का नाम नहीं पर भूलना चाहिए, बाकी स्टोरी कोई भी बोल दो यार, कौन पूछता है, स्टोरी लिखने को थोड़ी नहीं बोलेंगे आपको, है ना। तो ये फंडा है। उसके बाद एक चंबा का पार्ट खत्म। तो हमने पढ़ लिया किस तरह, हमने अभी तीन स्टोरीज पढ़ी है ओवरऑल, तीन तीन फेजेस पढ़े, एक फेज पढ़ा एक्सपेंशन फेज, एक फेज पढ़ा स्पीति का फेज, एक फेज पढ़ा है चंबा का फेज। अब चलता है मंडी का फेज, स्टार्टिंग फ्रॉम योर भूपाल। भूपाल पढ़ लिया था, भूपाल वॉज कैप्चर्ड बाय बीरसेन ऑफ सुकेत, यही कल हम यही तो पढ़ रहे थे कि वही भूपाल था जिसको कैप्चर किया था। फिर आता है हस्तपाल वन, बस वही अब वो वाली स्टोरी चलेगी, ठीक है। तो ये अब चलता है भूपाल फेज फोर, एंड द ओनली थिंग विच विल कंबाइन देम इज योर सुकेत। उसके बाद मंडी का फेज चलेगा, फिर मंडी के फेज में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ भूपाल, बाकी जो पीपीटी है उसको, उसमें मैं दोनों, वैसे मैंने यही वाली स्टोरी डाली है, मैं दोनों स्टोरी डाल दूंगा, क्योंकि ऐसा था ना पीपीटी में हम जल्दी पढ़ सकते हैं, और पढ़ के मतलब पीपीटी में दोनों डाल दूंगा मैं, पीपीटी मैंने ये वाली डाली थी अभी स्टोरी ना। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, आई डोंट फॉलो ब्लॉगर्स नाउ, बहुत हो गया मेरा पढ़ पढ़ के, अति हो गई थी, थोड़ा वो कन्फ्यूजिंग से भी लगती है, अब बहुत हो गया, अब आई प्रेफर खुद के नोट्स ओनली, है ना, क्यों ब्लोखरा, ब्लोखरा वन रेफरेंस नोट्स मेरे, बुक नहीं छोड़नी, बस बुक पढ़नी पढ़नी है, या अगर ब्लोखरा नहीं पढ़नी ना तो मैं सबसे बेस्ट है राजेंद्र सर की बुक ले लो भाई, कंफ्यूजिंग तो नहीं है कम से कम, बट एक वहां से क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, उठाने में ब्लोखरा ही है। मेरे पास है, मेरे से ले लेना, बारह तेरह को, ठीक है ठीक है। तो ब्लोखरा ही पढ़नी है, ब्लोखरा ही है जो है, सारा ज्ञान ब्लोखरा ने ही दिया है। इट इज कि मैं, मेरा मेरा जॉनर थोड़ा अलग है, मैं जैसे पी एच डी करूँ तो मैं अरे परे से रेफरेंस भी पढ़े, तो वहाँ से कुछ नई नई चीज़ें आई है, ठीक है। बट मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको नहीं याद हो सकती वो, इम्पॉसिबल है वो याद करना, उनको खुद भी नहीं याद होगी वो, बट ये है कि आप अपनी स्टोरी बनाओ और याद करो, यही तरीका ही मतलब पढ़ने का। नहीं पढ़ती फिर आप, बस कहानी याद रखो और कहानी भी अपनी बनाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको यार, क्यों वही कहानी पढ़नी है आपने, ऐसा क्या हो? आप इंटरव्यू में कहानी थोड़ी नहीं पूछेंगे भाई, टेल द टेल व्हाट हैपेंड देयर, आपसे ये पूछेंगे कि भाई गिव अप, अच्छा आप कहाँ से बोलेंगे, कुल्लू से, अच्छा टेल मी समथिंग हिस्टोरिकल अबाउट कुल्लू, तो यही बोल दोगे ना कि सर वन थिंग हिस्टोरिकल अबाउट कुल्लू इज ये कि वहाँ पे कुल्लूटा पुराना है, वन रेफरेंस विच आई कैन फाइंड राइट नाउ इज की रेफरेंस विद कुल्लू, वेन द कुल्लू पीपल ड्राउंड चंबा गद्दी आर्मी इन रिवर ब्यास, वो ये थोड़ी नहीं पूछेगा, अच्छा स्टोरी बता दो क्या हुआ था, ये थोड़ी नहीं पूछेगा वो आपसे, है ना, बस बात खत्म। स्टोरी वैसे कोई नहीं पूछेगा, जनरली यही पूछेगा कि अकाउंट ही पूछेगा, ज्यादा ये बोल देंगे भाई कैन यू टेल अस सम
स्टोरी या सम कुछ ऐसे वैसे पूछते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोल दूंगा, अगर पूछ जाए बोल देना कि भाई पार्टी कर रहे थे, डुबा दिया आ रही थी आदमियों, क्या बोलेगा? अच्छा गलत बोलेगा, सर आप सबूत दे दो फिर, है ना? फिर आप बोलेगे आप दे दो, फिर आप कुल्लू वाला चैप्टर दिखा देना, अगर आप बोलोगे पार्टी वाली स्टोरी, अगर वो खट्टे वाली बोलोगे तो खुद चंबा वाला चैप्टर दिखा देना, ये कर देना फिर, ठीक है? तो स्टोरी अपनी बनाओ, चाहे ब्लोखरा की याद करो, बस किरदार नहीं चेंज होने चाहिए पिक्चर के, वही रहने चाहिए, ठीक है जी? भूपपाल, अब इफ वी स्टडी अबाउट भूपपाल, सो भूपपाल वॉज, अब व्हाट डज सुकेत सेज कि भूपपाल के अटैक किया था 7 वजीरीज पे, एंड द फ्यू वर कैप्चर्ड, बट भूपपाल वॉज नॉट कैप्चर्ड, है ना? बट वट डज कुल्लू की स्टोरी सेज कि भूपपाल को कैप्चर कर दिया था, ड्यू टू विच हस्तपाल को त्रिविक्रम सेन के साथ थोड़ी सांड गांठ करनी पड़ी, ठीक है? सो देर आर डिफरेंट अकाउंट्स। मेन बात क्या है कि भूपाल पे सुकेत के राजा बीरसेन ने अटैक किया था। सो भूपाल डैश हस्तपाल वन, जैसे ये लिखा था, भूपाल डैश हस्तपाल वन डैश सूरतपाल, तो तीन बंदों की कहानी है, ये तीन बंदों की कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है जी? चलो जी, सो हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखी है, ठीक है? योर भूपपाल वॉज कैप्चर्ड बाय बीरसेन ऑफ सुकेत, योर भूपपाल वॉज कैप्चर्ड बाय, भूपपाल कैप्चर्ड इज इक्वल टू बाय बीरसेन ऑफ सुकेत, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हस्तपाल वन, हस्तपाल वन जो नेक्स्ट राजा है, हस्तपाल वन कॉन्स्पायर्ड, CONSPIRED कॉन्स्पायर्ड विद त्रिविक्रम सेन, ब्रैकेट में लिख दो, ब्रदर ऑफ सुकेत राजा विक्रम सेन, विक्रम सेन एंड केवंथल राजा, विक्रम सेन एंड केवंथल राजा डिफीटेड डिफीटेड त्रिविक्रम एंड हस्तपाल वन एट ज्यूरी, JIURI ज्यूरी ज्यूरी, ठीक है? अकाउंट खत्म। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सूरतपाल, ही लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम सुकेत, ही लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम सुकेत, ब्रैकेट में लिख दो, सुकेत राजा लक्ष्मण सेन वन, सुकेत राजा लक्ष्मण सेन वन, ब्रैकेट में लिखो, व्हेन ही वाज माइनर फ्रॉम सुकेत, ब्रैकेट में लिखो, सुकेत राजा लक्ष्मण सेन वन, ठीक है? व्हेन माइनर, लेटर लेटर लक्ष्मण सेन लेटर लक्ष्मण सेन वन कैप्चर्ड कैप्चर्ड परोल परोल सायरी एंड लग वजीरी ऑफ कुल्लू, ठीक है? अब देखो यहीं पर ही कितना डिफरेंट अकाउंट है। अब आप समझना, मैं क्यों बोलता हूं कि ब्लोखरा में सिर्फ ब्लोखरा को सिर्फ आप स्टोरी के लिए पढ़ो, फैक्ट सारे यहीं पे हो जाते हैं। सुकेत में बोला है कि विक्रम सेन को विक्रम वीर सेन ने भूपाल को कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि जो पहला इंस्टांस था जब कुल्लू सुकेत के अंडर आया वो किसके टाइम था? हस्तपाल के टाइम, और हस्तपाल को वो प्रिजन इम्प्रिजन करता है ना? लेकिन कुल्लू का काउंट क्या बोलता है कि हस्तपाल और त्रिविक्रम को दोनों को मार दिया था, ठीक है? तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज, है ना? डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। कि वो मार देता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि घर का वो उसको क्या बोलते हैं, माफ कर देता है, ठीक है? तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट दोनों जगह। सुकेत की कहानी कुछ और है, क्योंकि कल यही बात हुई थी, सुकेत की जो जिनोलॉजी है उसमें थोड़ा सुकेत को ग्लोरीफाई करेंगे कि थोड़ा दयावान भी था भाई। अब वो थोड़ी नहीं बोलेगा उसने अपना बेट भाई मार दिया था, कुल्लू का है, कुल्लू का भी तो बोल देंगे कि भाई इतना क्रूर था कि दोनों मारती इवेंचुअली ऐसे करके। बट अब आप मेरे को बताओ, अगर आपसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कि
अंडर हुज रेन कुल्लू वॉज कैप्चर्ड बाय सुकेत, क्या बोलोगे आप? क्या किस, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, भूपाल, हस्तपाल वन और आपका सूरत, इसके टाइम भी कैप्चर किया परोल वगैरह। जब हम वहां पढ़ते हैं ना लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन में हम पढ़ते हैं कि और ही कैप्चर्ड कुल्लू की तीन वजीरी, परोल, सायरी और लाग। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसने लिबरेट किया था कुल्लू को। आप बोलो कि किसके टाइम कैप्चर हुआ? सुकेत के टाइम बोलते हैं कि इट वॉज हस्तपाल वन जिसके टाइम कैप्चर हुआ पहली बारी, यहाँ पे बोरे की हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तभी इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता। जहाँ को डबल अकाउंट्स मिल गए उसको इतना सीरियस नहीं लेना होता, बस छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार जब कुल्लू पे अटैक किया था वो था भूपाल, दूसरी टाइम इतनी स्टोरी याद होनी चाहिए आपको कि हस्तपाल वन था त्रिविक्रम के साथ जो अपने भाई के अगेंस्ट विक्रम के साथ लड़ा था ज्यूरी में, और तीसरी स्टोरी थी आपकी लक्ष्मण सेन और सूरत की, इसको इग्नोर ही कर दो आप। नो नीड टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि इसके डबल अकाउंट्स है, एक जगह लिबरेशन मिली है और एक जगह उल्टा कैप्चर किया है। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो बोली थी कि लिबरेट तो किया नहीं था उसने, फिर लिबरेशन कैसे मिली? ट्रिब्यूट देना शुरू किया था, वैसे कर देते। बट मोटे तौर की बात है, जब आप लोखरा पढ़ोगे आपने ज़रा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। बीच का नहीं पढ़ना पैराग्राफ यार, बंदे ने किताब ही तो बेचनी है, कैसी होगी 2000 पेज, कैसी होगी 2000 की बुक, कैसी बिकेगी 1200 1300 1600 की? 900 की होगी, पहले तो 1300 1500 की भी मिलती थी। दोनों इकट्ठी, आप खुद सोचो ना यार, मेरी बात समझो आप। एक है जोक्ता सर की बुक, 232 पेज, पूरा पेपर आ जाता है उससे। एक है आगे 1200 की बुक, 1200 की 2000 पेजेस की बुक। फिर एक है आपकी हिमाचल दर्पण की बुक, उसमें भी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री दी हुई, उससे भी निकल जाते क्वेश्चन। हाँ 360, तो वो तो फॉन्ट भी तुमने कुछ थोड़ा ऐसे बनाई है कि ना, तो बस यही है कि अपने को सिर्फ स्टोरी आप कुछ भी रखो, जहां पर डुअल अकाउंट मिल गया ना आपको, उसको वो याद ही नहीं करना, उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि ना पेपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, अगर आप मेरे को आ गया क्वेश्चन, मैं कर रहता हूँ हस्तपाल, आप कर रहे हो भूपाल, और ऑप्शन हो गया भूपाल, तो मेरे पास तो सबूत है, मैं तो आपका हस्तपाल दिखा सकता हूँ सुकेत की स्टोरी से, कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल्लू वॉज कैप्चर्ड फर्स्ट टाइम। तो नहीं वो तो देखो वो ना, आपने देखो हमारे पास भ्रमी भ्रमी इंस्क्रिप्शन वाली स्टोरी की ना दो जगह मिल जाएगी, एक जगह मिलती है एशियन हिस्ट्री में और एक जगह मिल जाती है कांगड़ा की हिस्ट्री में रेफरेंसेस, कहीं ना कहीं तो भ्रमी जरूर मेंशन होगा। क्योंकि तो ऐसा है कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, मतलब चलो मेरे को पता था ब्रह्मी आए हैं, क्योंकि ब्रह्मी कैन बी रिगार्डेड एज ओल्डेस्ट लैंग्वेज एक टाइम से देखा जाए हमारे महाजनपद की, कब के टाइम शुरू हो गई थी, त्रिगात तक कितना पुराना है। ठीक है, तो ऐसे में पढ़ना है तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना, आपको बस कोई स्टोरी डेवलप करके आपको बस फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये है, उसके बाद आज हम इतना करते हैं, क्योंकि कल से जो रेफरेंस चलेगा ना वो चलता है आपका बाल्टिस्तान तिब्बत वाला रेफरेंस, ठीक है। तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा, जो आप इसको जब घर में जाके भोखरा से पढ़ोगे ना तो आपके कम से कम ये 2 2.5 घंटे तो कंज्यूम कर लेगा आसानी से, क्योंकि पेजेस बहुत ज्यादा है उसके ना, पेजेस बहुत ज्यादा है उसके, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो इसके बाद चलेगा आपका सारा का सारा फंडा। अब यहाँ से जो पूरी डायरेक्शन है ना वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अभी हम जो पढ़ रहे थे अभी हमने देखा द वेस्टर्न साइड, अभी हम अटैक अब चलेंगे ईस्टर्न साइड, इसके बाद जाएंगे हम एक बार बाल्टिस्तान, बालिस्तान जो भी मैं उसको बाल्टिस्तान बोलता हूँ है ना, बालिस्तान, फिर पहुंचेंगे हम बुशहर, फिर उधर बुशहर के उचितपाल, हस्तपाल टू, वो सारा बुशहर के साइड चलेगी स्टोरी आप, तो हम बुशहर के साइड चल जाएंगे। बस मेन मुद्दा यही है
ऐसा ना करना, क्योंकि हम करते थे ऐसा, जैसे चंबा पढ़ा, चंबा में कुछ रेफरेंस है, फिर कुल्लू में पढ़ा, फिर ना कंफ्यूज आना कि यार यहाँ पे याद दिया है, छोड़ दो। उसमें जो कॉमन, उसमें जो प्लेसेस है, जो बंदों के नाम है, वो सेम ही रहेंगे, वो कभी नहीं चेंज हो सकते। स्टोरीज हालांकि चेंज हो जाए, अकाउंट हालांकि चेंज हो जाए, बस इसका थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो मेन ठीक है ना, तो इसको हमने फेजेस में पढ़ना है। ये फेज वन एक्सपेंशन कंप्लीट, फेज टू स्पीति कंप्लीट, फेज थ्री चंबा कंप्लीट, फेज फोर, क्योंकि आप ना आप अब राज्य तोड़ रहे हो, नहीं तो हम क्या सोचते हैं ना कि यार इतने सारे राज्य कैसे पढ़ने हैं। जब आपने फेजेस में तोड़ दिया ना, चल यार ये चार राज्य चंबा के साथ है, दतेश्वर जनेश्वर और नारद, खत्म। तीन राज्य का, तीन राज्य ऐसे ही कैप्चर हो गए। देखो ना 73 की 76 राज्य है आपके पाल डायनेस्टी के, 13 राज्य है आपके सिंह डायनेस्टी के, जो आपको थोड़े पता होने चाहिए कि क्या क्या हो रहा है उनके टाइम। उसमें से हम ऐसे ऐसे करके फिजिक्स कर करके, आधे इग्नोर करके कर करके आपका पूरा का पूरा फंडा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी बात। बाकी अब आपको घर जाके करनी है, जिसके पास है ब्लोकरा वो बोलो ब्लोकरा, जिसके पास है जोगटा अकेडमी बोलो जोगटा अकेडमी, जिसके पास है हिमाचल दर्पण उसको बोलो हिमाचल दर्पण। जिसको नहीं समझ आएगा फिर कल तो दोबारा रिविजन होता ही है एक बारी, तो ऐसे ऐसा फंडा है। ठीक है, आगे इंग्लिश में ठीक है। तो एक बुक होनी चाहिए बस, एक बुक और रेफरेंस नोट्स, बस बात खत्म। ठीक है, स्टोरीज में कंफ्यूज नहीं होना, स्टोरी चाहे अपनी बनाओ, बस जो मेन किरदार है ना, जो प्लॉट है, वो नहीं गायब होना चाहिए, बस मेन फंडा ये है। ठीक है जी, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।